Dear students, Assalamu alaikum, I welcome you all in exam focused review sessions May 2023. Today we are conducting a session on MSA1 financial reporting and assurance professional competence. The timing of today's session would be from 6.05 pm to 9.00 pm with necessary breaks which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP students Facebook page which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comments section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. the link will be pinned so that students can find it easily. we are lucky enough that we have mr. jamshed akhtar with us for this session. he has a status of aca. he qualified ca in 2016 winter. he is teaching in ca more than seven years. He taught papers of MSA1, CFAP6, and CAF8. His students got two gold medals and two overall gold medal in exams. Currently, sir is working as Chief Internal Auditor and Adjunct Faculty Member at FC College University. He is also serving at one of ICAPs RET as a visiting faculty member. Please welcome Sir Jamshed Akhtar. Assalamu alaikum ji. Thank you so much. Assalamu alaikum ji. I welcome you all to this session, MSA 1. I think it's last session. इन द सीरीज ऑफ आई कैप्स रिविजन सेशन तो आज ये आखिरी सेशन है ठीक है चलें जी स्टार्ट करते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट टू वीक्स रह गए मोर देन टू वीक्स प्रिसाइजली स्पीकिंग एटीन डेज आपका जब एम एस एग्जाम हो रहा होगा सो यू हैव एटीन वर्किंग डेज और इन एटीन डेज में यू कैन स्टिल क्रिएट डिफरेंस राइट right? और स्पेशली इन एम एस ए वन एग्जाम आज की जो हमारी डिस्कशन होगी बड़ी फोकस डिस्कशन हम करेंगे मैक्सिमम इन टू पॉइंट फाइव टू 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 पॉइंट फाइव इफेक्टिवली स्पीकिंग तो हम इसमें अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं इस पर काम करेंगे दिस पेपर इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटजी सीफेप लेवल पे कुछ डिफरेंट फंडामेंटल्स होते हैं एग्जाम को पास करने के लिए लेकिन एम एस ए वन लेवल पे आपको स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी होती है सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम इसको इसके एजेंडा को आज डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो एजेंडा देख लें जी हमारी जितनी भी डिस्कशन है नेक्स्ट टू पॉइंट फाइव आवर्स की और थ्री आवर्स वो इस एजेंडे पे रहेगी सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एजेंडा हम एक फोकस्ड स्टडी प्लान डेवलप करने जा रहे हैं डिस्कस करने जा रहे हैं आप फोकस रखिएगा अगर कोई एडिशनल बातें हैं उनको जरूर आप नोट कीजिएगा ये स्लाइड एज इट इज आपको मिल जाएगी राइट सो डोंट ट्राई टू नोट दीज पॉइंट्स फिर आप फोकस लूज कर जाएंगे ये स्लाइड आपको अवेलेबल होगी आफ्टर दिस सेशन स्टडी so, प्लान जो है फॉर टू वीक्स रिमेनिंग टू वीक्स एंड स्पीकिंग डेज़, इसमें हम हाई यील्ड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे अगर आज मैं अज्यूम करूं कि आप लोग एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे बैठे हुए हैं आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और कुछ रिविजन की है तो आपकी प्रिपरेशन को कैसे हमने इंक्रीज करना है अपग्रेड करना है अप टू एग्जाम लेवल तो उसके लिए मैं कुछ प्रायोरिटी टॉपिक्स बताऊंगा जो आपने कवर करने होंगे इसके अलावा आपने रिवीजन और प्रैक्टिस में अपना टाइम कैसे एलोकेट करना है इन नेक्स्ट एटीन डेज और अपनी प्रोग्रेस कैसे असेस करनी है अब इसके साथ आपको वर्ड नजर आ रहा है मॉक तो ये मॉक जो एग्जाम डिफरेंट कॉलेजेस करवाते हैं वो भी इंक्लूडेड है इसके अलावा आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है तो अगर आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं चेक कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को सेकेंड एजेंडा हमारा एनालिसिस होगा जी पास्ट एग्जाम्स का उसमें हम देखेंगे कि रिकरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है अब यहां पे अगेन थोड़ा सा डिफरेंस है एज कंपेयर टू एम सीफेप यहाँ पे जो टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स वो सिलेक्ट करें और उसमें एक बड़ा क्वेश्चन बना दें एक ही क्वेश्चन में मे बी टेन ट्वेल्व थर्टीन और अगर हम क्वेश्चन वन की बात करें तो अराउंड फिफ्टीन टॉपिक्स टेस्ट हो रहे होते हैं रिपोर्टिंग और ऑडिट मिला के डिफरेंट सो यहाँ पे कोई गेस्ट लिस्ट आपको नहीं मिलने वाली आपको बस रिकरिंग टॉपिक्स की एक लिस्ट आइडेंटिफाई हो जाएगी जिससे आप थोड़ा फोकस अपना इनक्रीज कर सकते हैं टर्ड्स दो टॉपिक्स इसके अलावा जी हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव टेक्निक ऑफ सॉल्विंग एग्जाम ये वो अब फोर्टीन फोर आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स हैं पहले हमारे पास थ्री आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट्स होते थे तो ये फोर आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स की टेक्निक्स होंगी जो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमने वो टाइम कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है और आपके जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो आपने देखने हैं, क्या की वर्ड्स हैं क्या की कॉन्सेप्ट हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए विच शुड बी योर क्वेश्चन नंबर वन इन एग्जाम आपकी ड्राफ्टिंग कंटेंट uh, क्या होना चाहिए उसकी एक लॉजिकल सीक्वेंस क्या होनी चाहिए आपने कौन सी टेक्निकल टर्म्स यूज करनी है कौन सी डिस्कशन को अवॉइड करना है हाउ टू इंफॉर्मेशन अक्रॉस योर क्वेश्चन क्योंकि आपको पता है इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्पर्स होती है कहीं पे एक ही जगह आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये सारे स्किल्स आपने अपने अंदर कैसे बिल्ड करने हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे राइट सो वी स्टार्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम एस ए वन इंटीग्रेटेड एग्जाम है जी ये आपका आपको पता है अभी तक आपने प्रैक्टिस की मे बी इसकी क्लासेस भी ली हों कहीं से तो इसमें आपके मेनली थ्री टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग 55 फाइव टू सिक्सटी परसेंट इसकी वेटेज है ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज और अगर आप इसमें एथिक्स इंक्लूड कर लें तो ये 25 टू 35 को आप इंक्रीज करके थर्टी टू टू फोर्टी के दरमियान लेके जा सकते हैं कंपनी लॉ एंड एथिक्स फाइव टू फिफ्टीन मार्क्स तो एथिक्स जो है वो अराउंड सिक्स टू टेन मार्क्स की उसकी टेस्टिंग हो रही होती है राइट right? तो ये आपकी ग्रिड है इन एरियाज में आपने इसको प्रिपेयर करना होता है अब जैसे ही आप देखते हैं कि सी फेप वन और सी फेप यहां पे मेंशनड है तो एक स्टूडेंट के माइंड में जो फर्स्ट टाइम अपेयर होने जा रहा है जिसने शायद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना की हो एक क्वेश्चन उसके माइंड में ये होता है, कि क्या ये रीटेस्टिंग है? है तो इसका आंसर है लार्जली इसका आंसर है नो आई वुड से एसेंट नो राइट तो हंड्रेड परसेंट नो नहीं है जी इसका आंसर देयर आर समेक्ट ऑफ दिस एग्जाम जिसमें आपको नजर आएगा कि रीटेस्टिंग हो रही है बट दैट वुड बी अराउंड टेन टू ट्वेंटी परसेंट एटी परसेंट एग्जाम जो है वो रीटेस्टिंग नहीं है इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स स्पेशल नॉलेज स्पेशल ड्राफ्टिंग टेक्निक्स टू सॉल्व दैट एटी परसेंट राइट सो ट्वेंटी परसेंट कहीं पे आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनाए जी कंसॉलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन प्रिपेयर करें ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करें ऑडिट प्रोसीजर्स ड्राफ्ट करें राइट right? बाकी जो एग्जाम है एटी परसेंट नॉट दी टेस्टिंग हो रहा है फिर यहां पे टेस्ट वो चीज हो रही है जो सी फैप वन और सी फैप सिक्स में नहीं हुई दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड वहां पर आप क्या करते थे कंसॉलिडेशन क्वेश्चन क्वेश्चन करना है यहां पर आपसे ये डिसीजन करवाया जाएगा कि क्या कंसोलिडेशन होनी भी चाहिए कि नहीं यू विल डिस्कस अगर एक सब्सिड्री में पेरेंट अपना स्टेक डिक्रीज कर रहा है तो आपसे डिसीजन करवाया जाएगा आपसे डिस्कशन करवाई जाएगी कि क्या ये स्टिल सब्सिड्री है या ये एसोसिएट बन गई है या ये ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट बन गई है या आपसे डिस्कस करवाया जाएगा राइट right? इसी तरह कॉम्प्लेक्स आपके जो ऑडिटिंग uh, मैटर्स होते हैं जैसे आपके जजमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो आपसे डिस्कस करवाए जाएंगे इंस्टेड ऑफ आस्किंग के जी वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स दे दें सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसीजर वुड बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बट आफ्टर डिस्कशन डेफिशिएंसी एट द स्टेज ऑफ रिव्यूअर डेफिशिएंसी इन वर्क ऑफ योर टीम वो आपसे आइडेंटिफाई करवाई जाएगी राइट right? डेफिशिएंसी so, को फिर आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो आपने बहुत सारी आप में कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसीज का एक पूरा सेक्शन है हमारे हमारी इस डिस्कशन में सो so, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है जी आपको पता है क्वेश्चन नंबर वन इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होता है योर रोल ऑडिटर मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि आपका रोल क्वेश्चन वन में ऑडिट सीनियर होता है बट इट कुड भी मैनेजर ऑडिट इट कुड बी पार्टनर इट कुड बी क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर ज्यादातर आपका रोल ऑडिट सीनियर होता है आप इसमें इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मैटर्स टेस्ट होते हैं ऑडिटिंग एथिक्स कंपनीज एक्ट और टोटल मार्क्स होते हैं फिफ्टी सो दिस क्वेश्चन इज फिफ्टी परसेंट ऑफ योर एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू नली रिपोर्टिंग सो रोल क्या होता है जी आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर फाइनेंशियल अकाउंटेंट अकाउंटेंट डायरेक्टर फाइनेंस सी एफ ओ ये रोल्स है अब आप कहां चले गए ऑडिट के रोल से हटे और आप मैनेजमेंट का पार्ट बन गए सो प्राइमरी एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स ये फ्लडेड होगा यह क्वेश्चन विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज राइट और इसमें आपने कॉम्प्लेक्स इश्यूज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट बतानी होगी इंप्लीकेशन क्या है उस मैटर की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर के इम्प्लीकेशन और इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ सकता है यहां पे जैसे पार्ट एक्सट्रैक्ट या पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसओसीआई एसओ एफ पी कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी प्रिपरेशन भी आ सकती है एथिकल कंसिडरेशन में थोड़ा सा आपने यहाँ पे अलर्ट रहना है पार्ट टू ऑफ योर थिक्स वुड बी रेलिवेंट राइट तो अगर आप कोई थ्रेट यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे तो पार्ट टू से डिस्कस करना है ऑडिटर के रोल में डिस्कशन नहीं लेके जानी थ्रेट आर सेम थ्रेट के टाइप सेम है सरकम स्टांसेस डिफरेंट होते हैं उन सर्कम स्टांसेज में रहके आपने टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ थ्रेड्स को डिस्कस करना है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ऑडिटिंग रोल क्या है जी आपका ऑडिटर या मेनली ऑडिट मैनेजर अब देखिए आपका रोल क्वेश्चन वन में भी ऑडिटर था क्वेश्चन थ्री में भी ऑडिटर है डिफरेंस क्या है डिफरेंस यहां पे यह है कि यहां पे थोड़े से जो आपके इश्यूज होंगे वो प्रैक्टिकल सर्कमस्टांस से ज्यादा करीब होंगे और इसके अलावा उसमें कॉम्प्लेक्स जजमेंटल मैटर्स डिस्कस करवा रहा होगा एग्जामिनर राइट फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन थ्री में आपको कहेगा कि ये पूरा स्नेरियो मैं आपको दे रहा हूं आप मुझे बताएं कि इसमें किस तरह की टेस्टिंग एनालिटिकल कर करेंगे? करेंगे या टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे यानी वो आपसे डिसीजन करवा रहा होगा इंस्टेड ऑफ प्रोसीजर्स कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा होगा इनस्टेड ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स भी आ सकते हैं बस यहाँ पे उसने थोड़ा सा डिस्कशन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर देना है। इसी क्वेश्चन में एथिकल कंसीडरेशन और एथिक्स जो है आपके पार्ट थ्री एंड फोर ए मेनली देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज नहीं होंगे इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज भी डिस्कस हो सकते हैं क्वेश्चन टू और थ्री की वेटेज ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स में वेरी करती है जैसे कुछ अटैम्प्टवेंटी फाइव ईच आया है कुछ अटैम्प्ट में क्वेश्चन टू थर्टी होता है और क्वेश्चन थ्री ट्वेंटी मार्क्स का होता है सो दिस वॉज स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम नेक्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जी इसकी डिस्कशन बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है तो ये आज के एजेंडे में नहीं है बस इसमें से दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं आज के एजेंडे में इंक्लूड कर रहा हूं जो अगर किसी की नजर से नहीं गुजरी ये पॉइंट्स तो इनको जरूर देख लें आई कैप ने ऑलरेडी काफी सेशन में इनको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है एंड फर्दर गाइडलाइंस आर अवेलेबल ऑन आई कैप वेबसाइट आप लोगों ने वो सारी प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है वो आपने देख ली होगी इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट एडिशनल थर्टी मिनट्स तो ये आपको पता होगा जी थर्टी मिनट्स आपको एडिशनल दिए जा रहे हैं आपके ख्याल में किस लिए हैं ये क्या ड्राफ्टिंग के लिए है राइट एडिशनल थर्टी मिनट्स तो ये पेपर आपका जो थ्री आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट्स का था नाउ इट्स फोर आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स राइट ये थर्टी मिनट्स आपने अपनी प्रैक्टिस में यूज नहीं करना नेक्स्ट एटीन डेज में आपने सोचना है जब भी आप कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहे होंगे आपने उसको ओरिजिनल एंड थर्टी मिनट्स के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करना ये जो थर्टी मिनट्स हैं ये आपके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की वजह से इनएफिशंसीज क्रिएट हो रही हैं ये उसको कंपनसेट कर रहे होंगे एंड यू विल डेफिनेटली फेस दोज इन इन एग्जाम तो अभी से अपनी प्रैक्टिस में आपने ये थर्टी मिनट्स इंक्लूड नहीं करने ये ना हो कि उन इन एफिशंसीज की वजह से आपका कुछ पोर्शन ऑफ एग्जाम रह जाए राइट हार्ड कॉपी ऑफ क्वेश्चन पेपर ये आपको अवेलेबल होगी और इसमें दो एडिशनल पेजेस होंगे ये भी आपके साथ कम्युनिकेटेड है जितनी आप प्लानिंग करेंगे वो आप इन एडिशनल पेजेस पे करेंगे अभी मैं आपको प्लानिंग की जो है वो स्ट्रेटजी भी बताऊंगा प्लानिंग इज की स्पेशली इन क्वेश्चन नंबर वन प्लानिंग के लिए यू विल यूज दीज टू पेजेस और ये काफी है इवन ऑल क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन की प्लानिंग के लिए ये काफी है क्वेश्चन पेपर पे आप लिख सकते हैं यस हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स या हार्ड फॉर्म में बुक्स आपको अवेलेबल होंगी यस एंड वेरी इंपॉर्टेंट अब आप लेके जा सकते हैं बुक्स एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट

प्रैक्टिस करनी है तो ये मेन सी बी एग्जाम्स के कुछ पॉइंट थे बाकी आपकी क्वेरीज क्लियर होगी होंगी अगर इसके अलावा भी कोई टेक्निकल कोई क्वेरी है जो स्टिल क्लियर नहीं हुई तो यू कैन राइट टू आई कैप रेलिवेंट डिपार्टमेंट उस पर आपको रिस्पॉन्ड कर देगा जी नेक्स्ट पॉइंट कॉम्पिटेंसीज टू बी एवेल्युएटेड आपको इस पेपर में कैसे इवेलुएट किया जा रहा है यहां से जो डिस्कशन स्टार्ट हो रही है प्लीज इस पर आपने फोकस रखना है एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना राइट right? ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हुए ये आई कैप की ऑल टेन मल्टीप्लाई बाय थ्री थर्टी क्वेश्चन एंड अदर बॉडीज के सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर ये सारी स्ट्रेटेजी बेस करती है अराउंड सिक्सटी 70 क्वेश्चन पे ये सारी स्ट्रेटजी बेस कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये समरी है ऑल दीज एग्जाम्स एंड पेपर्स तो इनको केयरफुली समझना फर्स्ट कॉम्पिटेंसी या पहली बात जिसका आपने ख्याल रखना है इस पेपर में जो थोड़ा सा हमारे अंदर जिसकी कमी होती है क्योंकि जब हम आर्टिकल्स कर रहे हैं तो हम कोई भी एरिया पकड़ते हैं हम उसकी डेप्थ में चले जाते हैं इतना डेप्थ में चले जाते हैं कि समटाइम्स हम ऑब्जेक्टिव ही लूज कर जाते हैं भूल जाते हैं कि हम इसको वेरीफाई क्यों कर रहे थे तो डेप्थ को अवॉइड करना है आप लोगों ने फोकस ऑन ब्रेथ ब्रेथ क्या है कवर मल्टीपल एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेकिन आपने बहुत डेप्थ में नहीं जाना लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग जो क्वेश्चन में होगी अभी मैं इसकी एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूं right? राइट सो कवर ब्रॉडर इश्यूज या एरियाज अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू का कोई एक एलिमेंट पकड़ के आपने उसकी डेप्थ में नहीं चले जाना लेट्स से अगर डिसीजन ये हो रहा है कि क्या ये कंपनी जो जिसमें स्टेक्स इंक्रीज किए हैं क्या ये सब्सिडी बन गई है या नहीं बनी तो उसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट पकड़ के वहां पे लेट्स से डेफर कंसिडरेशन की बात हुई हुई थी तो उसको पकड़ के उसके सारे एलिमेंट नहीं डिस्कस कर दिए कि जी इसकी एंट्रीज ये होंगी इस तरह से हम जो है इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे ये कर लेंगे इस तरह से आपने नहीं करना सो कवर ब्रॉडर इश्यूज और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना सो इंस्टेड ऑफ डेल्विंग डीपली इन टू फ्यू टॉपिक्स यू नीड टू कवर ब्रॉडर इश्यूज अच्छा इसमें मैं आपको एक मार्किंग प्लान दिखाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कवर ब्रॉडर इश्यूज का क्या मतलब है यह विंटर 18 का मार्किंग प्लान है जी अगर आपने देखा क्वेश्चन नंबर वन अब इसको देखें 45 मार्क्स का यह क्वेश्चन है कहीं पे आपको टू मार्क्स नजर आ रहे हैं यह देखें सिर्फ एक

जितने के मार्क्स हैं, इनमें हेडरूम अवेलेबल होता है मैं आपको हेडरूम भी दिखाऊंगा आगे जाके हेडरूम क्वेश्चन में आई कैन राइट फॉर फिफ्टी फाइव मार्क्स बट एलोकेटेड मार्क्स फोर्टी फाइव ठीक है वो मैं आपको एग्जांपल आगे दिखाऊंगा अभी फोकस करें ब्रेथ पे ब्रेड पे देखें जी ब्रेड की फोकस देखें जी चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर देखें जी की ओवरऑल रिस्क में चेंज इन ग्रुप स्ट्रक्चर देखें चेंज इन ग्रुप स्ट्रक्चर से रिलेटेड मार्क्स मार्क्सोर करने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने थे आपने ये नहीं करना था कि लैक ऑफ नॉलेज को सिर्फ सिलेक्ट करें और इसको हर एस्पेक्ट से डिस्कस कर दें दो पैराज इसी पे लिख दें नहीं यू नीड टू राइट वन सेंटेंस वन कंप्लीट सेंटेंस अबाउट लैक ऑफ नॉलेज एंड मूव टू एक्सपीरियंस टीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देख लें जी जी यह देखें जी कॉस्मेटिक केयर इनिशियल रेकग्निशन को डिस्कस करना है डिस्काउंटिंग ऑफ कंटीजेंट कंसिड्रेशन रीमेजरमेंट इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट एंड रिव्यू, ये फाइव डिफरेंट पॉइंट आप कवर करेंगे यू विल गेट फाइव मार्क्स अगर आप किसी भी दो या तीन पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर देंगे right? इसके अलावा कोई और देख लेते हैं जी इक्विपमेंट इक्विपमेंट में आए जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू है ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन आपने आइडेंटिफाई करनी है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन मटीरियल राइट कैलकुलेशन के मार्क्स हैं टू मार्क्स एंड देन रेकग्निशन सो फोकस ऑन ब्रेड इंस्टेड ऑफ डेप्थ ये बात क्लियर है इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं जी देखिए इसमें आपको दो तरह से पता चलेगा नंबर वन ये कि वो जो इशू डिस्कस हो रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू उसमें वो सारे पॉइंट्स डिस्कस्ड होंगे राइट लिखा होगा कि जैसे अगर कंसोलिडेशन से रिलेटेड ये इशू है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के वो पॉइंट्स लिखे होंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं किस डेट को एक्वायर की क्या फर्स्ट सब्सिडी है या पहले भी सब्सिडीज थी ये सारे पॉइंट वहां पर होंगे तो आपने वन बाय वन इनको डिस्कस करना कितने कवर Mark किए जो नहीं कर रहे हैं, उनको नोट करें क्योंकि आप स्टूडेंट्स में मैंने देखा रिकरिंग प्रॉब्लम होती है जैसे एक रिकरिंग प्रॉब्लम है कोड ऑफ एथिक्स में कंप्लीटनेस कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन नंबर थ्री में

आपकी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो सकती है इस तरह का स्नेरियो एग्जामिनर ने बनाया अब आप इश्यू आइडेंटिफाई करेंगे कि इश्यू ये डिस्कस हो रहा है देन यू विल डिस्कस व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ आई एस फोर्टी राइट उसके दो तीन पॉइंट्स आ जाएंगे फिर आप लिखेंगे कि अच्छा अगर ये ट्रांसफर करना है तो फेयर वैल्यू कब डिटर्मिन करनी है और अगर फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे एट द डेट ऑफ ट्रांसफर तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है अब फेयर वैल्यू डिटरमिन करने में नहीं चले जाना सिर्फ बताना है राइट right? इस तरह से वन बाय वन अगर यही क्वेश्चन है कि आपके जो टीम मेंबर ने इस पे कोई काम भी किया है ऑलरेडी और उसकी डेफिशिएंसी आपने इवैल्यूएट करनी है तो फिर आप देखेंगे कि उसने ये सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं जो नहीं किए वो आप लिख देंगे लेट से उसने क्राइटेरिया नहीं अप्लाई किया एस40 फेयर वैल्यू की उसने बात नहीं की सेपरेट एक्सेस है इस बिल्डिंग में इस फ्लोर की अगर कोई फ्लोर है वो तो इस तरह की जो बातें हैं वो सारी आप कर लेंगे नेक्स्ट पॉइंट जिस पे आपने फोकस करना है एंड दिस पॉइंट इज एसिमिलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन व्हाट इज एसिमिलेशन वर्ड सुना है कभी वट इज अमिलियन ये सेकेंड इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है जो टेस्ट हो रहा होता है इस एग्जाम में अभी तक सी फैप वन या मैं सिक्स की बात करता हूं एक क्वेश्चन की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है अगर सी फैप सिक्स में रिस्क का क्वेश्चन हाफ पेज पे भी चला जाए तो आप कहते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया यहां पे क्वेश्चन नंबर वन की कितनी लेंथ होती है आपके ख्याल में और कंप्लीट पेपर की कितनी होती है अराउंड एटीन पेजेस एंड क्वेश्चन नंबर वन अराउंड एट टू नाइन पेजेस राइट विथ सेम फॉन्ट साइज सो क्या करता है एग्जामिनर एग्जामिनर आपको अपेंडिक्स देता है एक नहीं नंबर नंबर ऑफ अपेंडिक्स अपिक्स वन में एक बात करता है आधी बात करता है उसका कुछ हिस्सा जाके टू या थ्री में डिस्कस करता है और कभी कभी ओपनिंग पैराग्राफ में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिख जाता है जो कि उन दो अपेंडिक्स की इंफॉर्मेशन को मिला के और ओपनिंग पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को कंबाइन एक होलिस्टिक व्यू में देख के आंसर ड्राफ्ट करना होता है तो इस स्किल को कहते हैं

अब ये शन या ये एक्सपर्ट लेवल के रीडिंग स्किल्स आप में कैसे आएंगे नॉर्मली होता क्या हम फर्स्ट पेज पढ़ते हैं सेकंड पे पहुंचते हैं फर्स्ट पेज भूल जाता है थर्ड पे जाते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों बाद जमात होके निकल जाते हैं तो क्या करना है प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करनी है बार बार रीड करना है इसके बाद आप जाके कोई रीडिंग का एग्जाम देंगे तो आपके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड स्कोर आएंगे एम के बाद ट्रस्ट मी ऐसा होता है काफी रीडिंग एग्जाम है जैसे आयल्स में रीडिंग का पार्ट होता है पीटीई में रीडिंग का पार्ट होता है जो एजुकेशन वगैरह के लिए लोग स्टडी के लिए यूज करते हैं सो so आप MSA का क्वेश्चन जब रीड करेंगे तो आपने कनेक्ट करना, करना है इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना है कनेक्ट करने से आपका आंसर कंप्लीट होगा सो so ये नॉर्मली होता है जैसे अपेंडिक्स वन में क्या होगा कि जी

डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी इस तरह की इंफॉर्मेशन सो यू नीड टू कनेक्ट दी डॉट्स नेक्स्ट स्किल ड्राफ्टिंग अगेन ड्राफ्टिंग एक ऐसी चीज है जिससे सबकी जान जाती है जी आप लोग आप कहते हैं जी क्वेश्चन कर लेंगे तीन घंटे बैठ के नुमेरिक क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन हमसे ड्राफ्टिंग नहीं होती राइट right? तो ड्राफ्टिंग तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अब आप लोगों के लिए इजी हो गई है क्योंकि सारा दिन हम ड्राफ्टिंग जिस डिवाइस पे करते थे हमारी टेस्टिंग जो है वो किसी और पैटर्न पे हो रही होती थी हैंड राइटिंग के थ्रू वो तो आप देखें ना आप ऑफिस में जाते हैं आप अगर जॉब कर रहे हैं या आप आर्टिकल्स में हैं तो आपकी जो ड्राफ्टिंग की मेरे ख्याल में एटी या नाइन्टी है राइटिंग वो लैपटॉप पे है आप ई लिख रहे हैं आप कुछ नोट कर रहे हैं आप मीटिंग के नोट्स ले रहे हैं आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो अब आपके लिए ड्राफ्टिंग आपकी स्पीड आपकी एफिशिएंसी इजी होगी है राइट अब ड्राफ्टिंग की जो स्किल्स हैं इसमें अब आपने कुछ चीजों को देखना है बिल्ड करना है और ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग से आएगी क्रिकेट फुटबॉल देखने से नहीं आती खेलने से आती है राइट तो ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग से आएगी ड्राइविंग ड्राइव करने से आती है सारा दिन बैठ के उसके लेसन सुन कि जी ऐसे लेरिंग घुमानी होती है ऐसे एक्सलरेटर प्रेस करना होता है ब्रेक का ये फंक्शन है ड्राइविंग नहीं आएगी कभी तो फर्स्ट टाइम आई क्यूब में जाके ड्राफ्टिंग नहीं करनी और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्राफ्टिंग फ्यू क्वेश्चन इस मामले में मैं बड़ा क्लियर हूं यू नीड टू ड्राफ्ट एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन एग्जाम्स फ्रॉम नो ऑनवर्ड्स आगे भी डिस्कस करूंगा डेली एक पेपर ड्राफ्ट करना है आपने और आप ये कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं मे बी कुछ लोग लीव पे होंगे कुछ लोगों के एक या दो पेपर्स होंगे राइट क्वालिफाइंग अटेम्प्ट किन किन की है लास्ट पेपर लास्ट दे तीन ही दे रहे हैं और टू पेपर्स कितने लोगों के two, three, आप हैं। और To. तो देखिए दो और तीन पेपर अगर आप लीव पे यू कैन कंफर्टेबली स्पेयर तो एम एस ए को अगर आप पांच से छह घंटे भी दें तो आप एक पेपर भी इसमें ड्राफ्ट कर सकते हैं प्लस रिविजन भी कर सकते हैं दो घंटे में एंड टेस्ट यूर लिमिट्स यू कैन डू दैट अगर लगता है ना कि मैं दो घंटे के बाद मेरी बात सो जाती है नहीं ऐसा नहीं है आप इससे बेहतर कर सकते हैं सो so, ड्राफ्टिंग में क्या है ड्राफ्टिंग में फर्स्ट पॉइंट इज कंटेंट फॉर्मल ड्राफ्टिंग है ये ये इज आर वाली ड्राफ्टिंग नहीं है इट्स फॉर्मल ड्राफ्टिंग जब आप लिखें तो ये पता चले कि एमएसए का स्टूडेंट लिख रहा है और एमएसए का स्टूडेंट जो है वो इस लेवल पे आ चुका है कि क्वालिफाई करने के बाद आप ये एक सीनियर पोजीशन पे चाहे फर्म या इंडस्ट्री में बैठ सकता है आपकी ड्राफ्टिंग से ऐसी लेंगे, एक रेजोनेंस आनी चाहिए आपकी ड्राफ्टिंग से एक ऐसा फील आना चाहिए ठीक है पढ़ने वाला जो है वो आपकी प्रोफेशनल जो स्किल्स है उसके साथ रेजोनेट कर रहा हो राइट सो कंटेंट शुड बी फॉर्मल एज पर स्टैंडर्ड्स गेस वर्क नहीं होना चाहिए इधर उधर की डिस्कशन नहीं होनी चाहिए कॉन्टेंट बड़ा क्वालिटी कॉन्टेंट होना चाहिए जैसे कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर, कैसा टू द पॉइंट और बड़ी एक फॉर्मल राइटिंग होती है कभी कोई अच्छा नॉवल पढ़े उसमें इधर उधर की बात ही नहीं होती राइट right? तो इसी लेकिन अगर कोई फेसबुक पोस्ट पढ़ लेंगे समझ नहीं आएगी वो क्या लिख रहे हैं चाहे वो नीचे किसी और का चाहे नीचे किसी फिलासफर का नाम ही क्यों ना लिखा हो तो आपको पढ़ के पता चल जाता नहीं ये फिलासफर ये बात नहीं कर सकता फिलहान राइट right? तो कंटेंट जो है इसको इंप्रूव करें इंप्रूव कैसे करना है आई कैप के साथ साथ अदर बॉडीज के क्वेश्चन करें आपको अंदाजा होगा कि क्या की वर्ड यूज करने क्या की जो होते हैं। अगर आप एक बात करते हुए दूसरी बात चलते हैं करना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपने कनेक्टर कौन सा यूज करना है उसको बताना है क्या मैं ऑल्टरनेटिव डिस्कशन में जा रहा हूं ये नहीं कि एक ही डिस्कशन करते हुए साथ ही कुछ और डिस्कस कर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कंटेंट एक स्मिट्री होनी चाहिए एक सीक्वेंस होनी चाहिए क्या सीक्वेंस होगी डिस्कस करेंगे बट वर्क ऑन द सीक्वेंस जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू डिस्कस करते हैं कभी कभी उसमें ऑडिट डिस्कस कर जाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कभी उसने एक ही पॉइंट में दो या तीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज मिक्स किए होते हैं कि वो आई एफ आर एस नाइन में भी डिस्कशन जा रही है वो डिस्कशन मे बी आई एफ आर एस सिक्सटीन में भी जा रही है मे बी आई एफ आर एस फिफ्टीन में भी जा रही है तो आपने एक लॉजिकल स्ट्रक्चर लॉजिकल सीक्वेंस यूज करनी है ये नहीं कहना कि आधी बात आई एफ आर एस की करके कहीं और चले गए नाइन की करके फिफ्टीन में चले गए फिफ्टीन की करके सिक्सटीन में चले गए नहीं थर्ड रीजन कंक्लूजन एब्सुलूट कंक्लूजन नहीं देना रीजन कंक्लूजन एंड इफ यू आर अनएबल टू गिव अ कंक्लूजन देन गिव केवियट्स ये होगा तो ऐसे होगा अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर ये कंक्लूजन है गिव केवियट्स डोंट गिव एप्सुलूट कंक्लूजनस इफ यू आर नॉट एबल टू बट इफ क्वेश्चन रिक्वायर रिक्वायर्स एबसल्यूट अ कंक्लूजन तो फिर आप जरूर दें जी इन थ्री पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो वी कैन डिस्कस अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं जी एक्सटेंट लेंथ लेंथ क्या रखनी है वी विल डिस्कस द इनका क्वेश्चन है कि समटाइम सिक्स मार्क्स मार्क्स की लेंथ दो पैराग्राफ्स होती है सम समटाइम वही शायद फोर पैराग्राफ्स होती है राइट right? ये क्वेश्चन है एक्सटेंट हम डिस्कस करेंगे ठीक है अगर वहां पे भी ये क्लियर ना हो रीजन के साथ मैं डिस्कस करवाऊंगा तो आप पूछ लीजिएगा जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नेक्स्ट के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने बड़ी अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ी है पास की है बट यहां पे स्किल क्या चाहिए आपको यहां पे फर्स्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन राइट आपने कैलकुलेशन यहां पे सेकेंडरी लेवल पे आएगी फर्स्ट लेवल पे एक्सप्लेनेशन आएगी सो एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग जनरल एंट्रीज अगर जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है तो इनके सेपरेट मार्क्स होते हैं डेबिट क्रेडिट लिखने के सेपरेट मार्क्स होते हैं और अगर आपने अमाउंट इनक्रेक्ट कैलकुलेट कर लिया है आपने एंट्री ठीक पास की है तो आपको मार्क्स मिलेंगे आई रिपीट अमाउंट इनकरेक्ट है बट एंट्री आपने ठीक पास की डेबिट क्रेडिट ठीक है आपको जनरल एंट्री के मार्क्स मिलेंगे डबल पेनलाइजेशन नहीं होती है मैसे के एग्जाम में राइट इम्प्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स एंड एडवाइजिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगेन एडवाइजिंग एडवाइजिंग कैलकुलेट करके नहीं देना कि ये सही है एडवाइज करना है पहले बताना है फिर कैलकुलेशन करनी है राइट right? तो स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडरलाइन कैलकुलेशन 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 के मार्क्स बहुत कम होते हैं यू नीड टू एडवाइस यू नीड टू डिस्कस लिख के बताना है कि मैं ये करने जा रहा हूं क्यों करने जा रहा हूं इसी तरह जब इंप्लीकेशन बताएंगे तो इफेक्ट बताएंगे क्या हाउ दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू जो है या ये जो इश्यू जो है ये इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे क्या इंप्लीकेशन होंगी ऑडिट ऑडिट मैटर्स रिस्क असेसमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होगी एज फॉर एज ड्राफ्टिंग इज कंसर्न सी फैप सिक्स लेवल से सिमिलर होगी बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क वुड बी मोर चैलेंजिंग वहां पे क्या होता था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन नीचे चार पॉइंट्स आप थोड़े से रेशियोस कैलकुलेट करते थे उन फोर पॉइंट्स को लिंक करते थे और रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता था यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा राइट right? तो यहां पे रिस्क आपका लिंक होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू के साथ इफ देर इज अ चेंज या लेट्स एक एंटिटी है उसने एक्वायर कर लिया एक ऐसी सब्सिडी जो डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस में है वो सब्सिडी अब एक्सपोर्ट कर रही है तो रिस्क चेंज हो गया ड्यू टू या रिस्क अराइज हो गया ड्यू टू फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन ग्रुप के लिए तो अब यहां पे आपको अगेन यू नीड टू कनेक्ट डॉट्स विद योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो इश्यूज हैं एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई रेलिवेंट रिस्क ऑडिट प्रोसीजर्स इसकी मैं डिस्कशन करूंगा

लास्ट पेपर में देखा है किसी ने क्वेश्चन आई एस ए थर्टी फोर हंड्रेड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टेस्ट हुआ है राइट एंड द न्यू कॉन्सेप्ट जिनपे अब आई कैप भी काफी सेशन करवा रहा है फर्म्स में भी एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन गए हुए हैं एंड दैट इज सस्टेनेबिलिटी इसको जरूर देखना सस्टेनेबिलिटी को जरूर देखना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग हाउ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वर्क्स ट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की assignments या engagements में हमारा रोल क्या होता है What we look for? ये सारी एक दफा देख लीजिएगा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है मे बी इट विल टेक थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स बट सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इवन फॉर सीफ एप एस कोड ऑफ एथिक्स सॉरी सस्टेनेबिलिटी क्या नोट्स आई विल ट्राई कि मैं इसके कोई आपको नोट्स दे दो देखिए सस्टेनेबिलिटी ये होती है कि जब बिजनेस स्टार्ट हुए जब ये कह लें कि अंटरप्रनोरशिप का कॉन्सेप्ट आया तो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होना सब कुछ समझा जाता था कि बिजनेस शुड बी प्रॉफिटेबल राइट तो इनिशियली जो रिपोर्टिंग होती थी वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती थी सिर्फ क्या आपने दिखाना है, ये मेरे एसेट्स हैं ये मेरी इनकम या लॉस उसके बाद रिपोर्टिंग इवॉल्व हुई और एनुअल रिपोर्टिंग की तरफ हम चले गए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ कुछ और चीजें भी प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दी फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने रियलाइज किया कि बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होने चाहिए बल्कि सस्टेनेबल होने चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज जो वो यूज कर रहे हैं ये स्कॉर्स है अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है तो अगर डिफरेंट कंपनीज लाइक नेस्ले ये वाटर ग्राउंड वाटर निकालती हैं और आपको नेस्ले वाटर देती हैं तो ग्राउंड वाटर अनलिमिटेड तो नहीं है अगर आप माउंटेन से कोई मिनरल्स निकालते हैं अनलिमिटेड तो नहीं है इवन योर ये जो ऑयल है पेट्रोल है या ये बाद में पेट्रोल बनता है उससे पहले आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ये भी अनलिमिटेड नहीं है अब so, रिपोर्टिंग जो है इस तरफ जा रही है कि आपकी एक्टिविटीज सस्टेनेबल होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रॉफिटेबल तो ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और वो स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन आपने देनी है योर फोकस शुड बी ऑन सस्टेनेबिलिटी और इसमें थोड़ी सी और डिस्कशन है मैं ऐसा करूंगा कि मैं इसका कोई मटेरियल आप लोगों से शेयर कर दूंगा मैं अटैच करवा दूंगा आप उसको एक दफा रीड कर लीजिएगा फिर भी नहीं क्लियर होगा तो व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा यू कैन सेंड मी अ वॉइस नोट उसमें मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स में यहां पे इशू क्या आएगा एज कंपेयर टू योर सी फैप एग्जाम यहां पे कंप्लेक्स एंड हिडन इश्यूज होते हैं एग्जामिनर जो है समटाइम्स कोड ऑफ एथिक्स के लिए आपको एक अपेंडिक्स दे देता है उसमें सारी डिस्कशन होती है और वो कहता है रिक्वायरमेंट में ही बता देता है कि एज पर अपेंडिक्स फाइव और फोर आइडेंटिफाई थ्रेड एंड सजेस्ट एक्शन अगर वो ये काम नहीं करता अगर वो ये काम नहीं करता तो फिर वो दूसरा उसके पास ऑप्शन ये है कि वो पूरे क्वेश्चन नंबर वन में स्प्रेड कर दे थ्रेड्स को कैसे स्प्रेड कर दे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कह ले क्या आपकी अभी मीटिंग हुई है फाइनेंस डायरेक्टर से और वो कह रहा है जी हमें तो बड़ी शॉर्ट डेडलाइंस है यू नीड टू कंप्लीट ऑडिट बाय दिस डेट क्या कर दिया उसने आपको इंटिमिडेट इफेक्ट क्या हुई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर तीन चार पैराग्राफ आगे जाके उसने कहा कि जी हम तो एक और असाइनमेंट असाइनमेंट देख रहे हैं एंड वी नीड यू टू अप्लाई फॉर दैट असाइनमेंट Non है कोई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट गया ऐसे वो स्प्रेड करता जाएगा फिर वो बताएगा जी आपका एक टीम में अनकालीफाइड उसने बड़ा कम टाइम स्पेंड कियाप्रेड हुए हुए अगर उसने आपको अपने दिया हुआ फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड जो कंसिडरेशन है या कोई थ्रेट है वो आपको नजर आ जाएगा आपके पूरे क्वेश्चन में सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दो एरिया एक्शन एंड सेफ गार्ड आपके ऑलमोस्ट सिमिलर हैं लेकिन इन अ कंप्लीट मैनर आपने लिखना है डोंट राइट एक्शन इन सिंगल लाइन थोड़े डिस्कस करने हैं डिस्कशन करनी है एक से दो स्टेटमेंट्स इसके ऊपर लिखनी है एक्शंस और थ्रेड्स जब आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो आपने उनको जस्टिफाई करना है हाउ दीज आर थ्रेड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर हो रहा है वो भी साथ लिखना है राइट कंपनीज एक्ट 2017 डायरेक्टर रिपोर्ट की वैल्यूएशन इसके जो रेलिवेंट सेक्शन हैं वो आपने जरूर देख हैं जी वो आपके कोर्स का पार्ट है यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं जी बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें कर ली हमने मुश्किल बातें कर ली थोड़ा आप लोग डर भी गए होंगे तो अच्छी खबर सिल्वर लाइनिंग इन दिस टफ डिस्कशन सो अच्छी खबर क्या है इट्स बॉक कॉटे फ्रेंच वर्ड और ये आपको क्या कह है कि जी एक गुड न्यूज है एंड द गुड न्यूज इज योर रिजल्ट जो मर्जी बातें कर लें मैं यहां बैठ के आपको यह कहूं जी इतना कॉम्प्लेक्स पेपर है ये टेस्ट होना है वो टेस्ट होना है बट एट द एंड ऑफ द डे इफ हंड्रेड स्टूडेंट स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दिस एग्जाम इन विंटर ट्वेंटी टू सेवेंटी वन स्टूडेंट पास द एग्जाम सीए के लास्ट पेपर्स में बैठ के अगर आपको सेवेंटी वन परसेंट अश्योरेंस मिल रही है

रीजन बिकॉज देर अक्सपेरिमेंट जब भी न्यू एक्सपेरिमेंट होता है रिजल्ट ऊपर जाता है ठीक है तो ये मैं कोई गेस वर्क नहीं कर रहा समझ लें कि ये भी अगेन एक मोटिवेटिंग फैक्टर है फॉर यू आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू बट सम एट सेवेंटी परसेंट आई एम वेरी कंफर्टेबल अगर आप एक अच्छी एफर्ट करें आप पास हो सकते हैं ठीक है तो आफ्टर All discussion. This is the past result. Past paper analysis. So we have analysis of last seven attempts.

एक कोई सिंगल अटेम्प्ट नहीं है विंटर ट्वेंटी से ऑनवर्ड जिसमें एक्विजिशन टेस्ट ना हुआ इधर इन क्वेश्चन वन और टू और इवन थ्री वन मार्क टू मार्क्स थ्री मार्क्स फिफ्टीन मार्क्स टेस्टिंग हो रही है अगर कहीं से भी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गया मैंने यहां पे लिख दिया राइट उसके बाद देखें जी डिस्पोजल लास्ट टाइम नहीं हुई फॉरेन सब्सिड्री ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में टेस्ट हो रही है सो डिस्पोजल एंड फॉरेन सब्सिड्री इस दफा के लिए फेवरेट है अगर एग्जामिनर ट्रेंड फॉलो करेगा अगर एक बड़ा क्वेश्चन है और उसको समझ नहीं आ रही कि उसने डिस्पोजल और फॉरन सब्सिडी बीच में कैसे इंक्लूड करनी है तो कुछ कह नहीं सकते अदरवाइज ये टेस्ट होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेस्ट हो गया यहां हुआ है टेस्ट यहां से पहले कंजेक्टिव हो रहा था लेकिन दो अटेम्प्ट के बाद उसने टेस्ट दोबारा कर लिया आई एफ आर एस टू जी वेरी इंपॉर्टेंट ये देखें जी कंजेक्टिव टेस्टिंग चले आप वन मार्क को रहने दे विंटर ट्वेंटी तो समर ट्वेंटी वन से ऑनवर्ड्स फोर अटेम्प्ट्स में कंजेक्टिव टेस्टिंग हुई है देन वी हैव आईएफआरएस एफ नाइन इस दफा के लिए इंपॉर्टेंट है इंक्लूडिंग हेज अकाउंटिंग तो ये दो टॉपिक्स आईएफआरएस एफ नाइन स्पेसिफिकली हेज अकाउंटिंग इनको आपने जरूर देखना दो और स्टैंडर्ड्स जिसमें से आई एफ आर एस फिफ्टीन एवर ग्रीन एवर फेवरेट ऑफ एग्जामिनर आई एफ आर एस फिफ्टीन एंड सिक्सटीन जो है ये भी कोई लास्ट टू अटेम्प्ट से कंजेक्टिवली टेस्टिंग हो रहा है आई एफ आर एस थर्टीन की मैंने लास्ट टाइम काफी प्रैक्टिस करवाई थी फेयर वैल्यू मेजरमेंट एंड इट वॉज ऑन माई फेवरेट लिस्ट क्योंकि ये टॉपिक आईसीएडब्ल्यू के एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है आई कैप में ये टेस्ट नहीं हुआ था सो लास्ट टाइम इट हैज बिन टेस्टेड इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था और मैं कह रहा था जी अदर फॉरेन बॉडीज जो है, उसके पेपर जरूर करें दोज विल गिव हेड स्टार्ट और अप एज कंपेयर टू अदर students जो वो नहीं करते क्योंकि उसमें वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी शायद आपके पेपर में टेस्ट नहीं होते कि उनका पेपर बड़े बहुत पुराना है ना ये पेपर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पैटर्न पे बना है वो तो बहुत अरसे से आप तो मेरे ख्याल में सेवनटीन में स्टार्ट हुए ना वो तो शायद मे बी मोर देन अ डेकेड कि वो ये पेपर टेस्ट कर रहे हैं जी नेक्स्ट ये देखें जी आपके पास है आई एस नाइनटीन आई एफ आर एस टू आई एस नाइनटीन ये भी इंपॉर्टेंट है जी रिकरिंग टेस्टिंग हो रही है आई एस टाइम चांसेस कम है बट वो इसके एरियाज कोई एडवांस एरियाज को टेस्ट कर सकता है इंपेयरमेंट के काफी फेयर चांसेस हैं यू कैन टेस्ट इंपेयरमेंट ये मैंने अगर सही जगह लगाया ठीक है इंपेयरमेंट राइट आई एस थर्टी एट एंड आई एस फोर्टी वेरी रिकरिंग स्टैंडर्ड्स इन आईसीडब्ल्यू एवरी सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ये दो जरूर टेस्ट होते हैं सो आई एस वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑनर ऑकड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यह कॉन्सेप्ट किसी भी आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चन में देखिएगा और एक दफा इसका सोल्यूशन रीड कर लीजिएगा या ड्राफ्ट कर लीजिएगा मिनिमल एनालिसिस अब आ जाए जी ऑडिट ऑडिट में जो थ्री मेन पॉइंट्स हैं उनमें से कोई एक तो जरूर टेस्ट होगा और वो नॉर्मली आपके वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स प्रायोरिटी पे होते हैं आपके पूरे एग्जाम में क्वेश्चन वन या थ्री में वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स वो जरूर टेस्ट करेगा सेकंड प्रायोरिटी आपका रिस्क होता है आप इनकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं और लास्ट टाइम वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स उसने डायरेक्टली टेस्ट नहीं किए है ये देखें ये थर्टी फोर हंड्रेड का क्वेश्चन टेस्ट हुआ हुआ है मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलेटेड पार्टीज सो दीज वर थ्री न्यू एरियाज जो उसने लास्ट टाइम टेस्ट किए हैं रिलेटेड पार्टी की पार्टीज की पहले डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं हुई हुई थी तो आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं दीज आर इंपॉर्टेंट सी फैफ सिक्स को भूलना नहीं है पास करके ये नहीं सोचना कि पास हो गया है। तो बस गेम ओवर राइट जी सो एविडेंस ऑडिट प्रोसीजर्स की डिस्कशन को वो कुछ और वर्डिंग में यूज कर सकता है जी कि एविडेंस क्या आपको रिक्वायर्ड होगा इवेल्युएशन देखें डॉक्यूमेंटेशन की बात कर सकता है वट डॉक्यूमेंट्स यू विल वेरीफाई विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और हैजिंग या वर्ट डॉक्यूमेंट यू यू विल लुक फॉर इन ऑडिट फाइल एज रिव्यूअर इस तरह की बात करता है लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हैजिंग है तो क्या डॉक्यूमेंट्स ऑडिट फाइल में होने चाहिए उससे रिलेटेड तो इस तरह के क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है कंपनीज एक्ट और कोड ऑफ एथिक्स पार्ट टू इसको काफी टाइम हो गया जी क्वेश्चन नंबर टू में उसने एथिक्स नहीं पूछे अभी तक मतलब काफी अटेम्प्ट शायद ये देखे बल्कि पूछे ही नहीं ये लाइन जा रही ठीक है सो so, केयरफुल अगर क्वेश्चन नंबर टू में एथिक्स की बात आए तो पार्ट टू में जाना है कंपनीज एक्ट उसने पूछ लिया हुआ है आफ्टर दैट आप आ जाए जी यहाँ पे अब ये आपके areas, है आपके कोर्ट के डिफरेंट एरियाज जैसे वैल्यूएशन पूछी है रोटेशन टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट लोन एप्लीकेशन फी सेल्फ रिव्यू इंटिमिडेशन मैनिपुलेशन साइबर रिस्क एक पुराना क्वेश्चन है जिसमें एक नंबर का साइबर रिस्क उसने पूछा हुआ है अब साइबर रिस्क और आईसीटी टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सीफेफ सिक्स का पार्ट है अगर आपको सीफेफ सिक्स पास किए तो एक साल हो गया तो साइबर रिस्क को जरूर देखिएगा, राइट? Right? तो अभी मैं आपको ये स्टेटमेंट में लिखे हुए भी दिखा देता हूं इम्पोर्टेंट आपके जो एरियाज हैं फॉर दिस अटेम्प्ट प्रेजेंटेशन में भी मैंने इंक्लूड किए हुए लेकिन एनालिसिस दिखाना जरूरी था कि आपको आइडिया हो कि किस तरह डिफरेंट टॉपिक्स टेस्ट हो रहे हैं एक्टिव है एक्टिव है ना नींद तो नहीं आ रही कोशिश की है कि डिस्कशन जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो और टू लेकिन फिर भी आई अंडरस्टैंड जब उधर बैठ के सुनते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैं भी डिफरेंट लेक्चर्स अटेंड करता रहता हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट सक्सेस का रास्ता यही है चलें जी स्टडी प्लान लास्ट एटीन डेज राइट लास्ट एटीन डेज और इन लास्ट एटीन डेज में आपने रिविजन और प्रैक्टिस करनी है अगर आप बेसिक लेवल पे भी हैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है आप स्टिल ये एग्जाम पास कर सकते हैं सिर्फ इन 18 डेज को इफेक्टिवली पेपर पास कर सकते हैं यू कैन सोल्व एट लीस्ट फिफ्टीन डेली बेसिस और सोल्व का मतलब ये नहीं है कि रोज बैठ के एक पेपर हंड्रेड परसेंट आप ड्राफ्ट कर रहे होंगे चले आप फिफ्टी परसेंट ड्राफ्ट कर लें सिक्सटी परसेंट ड्राफ्ट कर लें फोर्टी परसेंट रीड कर ले बट स्टिल यू कैन अटेम्प्ट एटीन एग्जाम्स और आईकेफ के कितने एग्जाम्स हैं 10 एग्जाम्स 10 ही है ना आपके पास 10 है मेरे ख्याल में सो 10 एग्जाम्स आईकेप के हैं, बाकी सात आठ कोई और एग्जाम्स कर लें तो ये बहुत ज्यादा है कर लें जिन लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक है वो अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करें और जिन लोगों की प्रिपरेशन उससे उन्होंने अपग्रेड कर ली है जरा मीडियम या हायर लेवल पे आ गए हैं वो इसको अपने अकॉर्डिंगली फॉलो कर ले जो लास्ट एटीन डेज का प्लान है सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिविजन आपने करनी है इन दिस ऑर्डर और ये वही ऑर्डर है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस सो यू विल स्टार्ट विद ग्रुप अकाउंटिंग स्पेशल फोकस ऑन सब्सिड्री एंड फॉरन सब्सिड्री डिस्पोजल एंड फॉरन सब्सिड्री राइट देन आई एफ आर एस नाइन हेज अकाउंटिंग एंड सो ऑन जो आपके पास लिस्ट है उसके बाद ऑडिट अश्योरेंस यू विल स्टार्ट विद वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स अगेन ये पूरी स्लाइड आपको अवेलेबल होगी सो डोंट ट्राई टू नोट दिस स्लाइड कोई एडिशनल पॉइंट नोट करना चाह रहे हैं वो जरूर कर लें। इसके पॉइंट्स ना नोट करेंगे, मैं आपको शेयर करवा दूंगा वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स ऑडिट रिस्क स्पेशली साइबर रिस्क एंड आईसीटी अगर आप लोगों को ऑडिट पास किए थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया अदरवाइज आपने ये कवर किए होंगे इंपैक्ट ऑन ओपिनियन सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ग्रुप ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स हैं 700 में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट आपको पता है 705 आप कर सकते हैं 710 और सेवन इंपॉर्टेंट है सेवन ट्वेंटी स्पेशली अदर इन्फॉर्मेशन को वो एड कर जाता है अगर वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की तरफ जाएगा और वो कहेगा मैंने इसको annual report का पार्ट बनाया हुआ है, तो इट कैन कॉन्स्टिट्यूट एज अदर इन राइट एट हंड्रेड सीरीज बड़े बेसिक से दफा गो थ्रू कर लीजिएगा कोई स्पेसिफिक स्पेशल परपज फ्रेमवर्क के ऊपर कोई बात आपसे पूछ सकता है आई एस आर एस फोर्टी फोर हंड्रेड रिवाइज हुआ है इस वजह से इंपॉर्टेंट है प्रीवियस आपका जो स्टैंडर्ड था फैक्चुअल फाइंडिंग इट इज नो मोर फैक्चुअल फाइंडिंग इट इज ओनली एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स पहले आप कहते थे रिस्ट्रिक्शन है रिपोर्ट सिर्फ उन्हीं को हम शेयर करेंगे जो पार्टीज हमने एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड की हैं नाउ देयर मे बी आ रिस्ट्रिक्शन मे बी राइट कंपल्सरी नहीं है तो कुछ और चेंजेस हैं आप इसमें सिबल पार्टी डिफरेंट हो सकती हैं. ही करती है जैसे regular, regulator कहेगा, SCCP कहेगा, इस के management ये document बनाएगी. आपने उस डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स ये -ये अप्लाई करना राइट right? थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है देख लीजिएगा एंड आई एस एंड सीरीज इंपॉर्टेंट है थर्टी फोर हंड्रेड ऑलरेडी टेस्ट हो चुका हुआ है एथिक्स पार्ट थ्री थ्री में स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट एंड नो क्लॉर नॉन लॉज एंड पार्ट फोर ए पार्ट फोर ए में इंडिपेंडेंस से रिलेटेड इशूज राइट सो दिस वॉज दीक्वेंस फॉर योर रिविजन लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने इसको पढ़ने में लगा देना नहीं आपने कल से जो भी अवेलेबल टाइम है फॉर एमएसए वन इट शुड बी एलोकेटेड ट्वेंटी एटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट फॉर रिविजन एटी परसेंट फॉर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मीन्स क्वेश्चन लेफ्ट राइट की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी स्टडी टेक्स के जो आई कैप की वर्क बुक है उसके बेसिक क्वेश्चन नहीं करने बैठ जाना प्रिपरेटरी लेवल क्वेश्चन वो नहीं करने इस लेवल पे आके एटीन डेज रह गए डायरेक्ट गो फॉर एग्जाम लेवल क्वेश्चन अलेवन टू फिफ्टीन Then past papers. So, practice की आपकी क्या सीक्वेंस होनी चाहिए स्टार्ट विद क्वेश्चन वो गाइडेंस देते हैं अगर उनमें से कोई गाइडेंस यहां से स्किप हो गई हो सुनना पाए हो तो वहां पे मे बी आपको नजर आ जाए ठीक है तो उसमें ट्यूटोरियल नोट्स हैंट हाउ यू ग्रेस मैक्स मैक्सिमम पॉइंट जैसे हमने बात की कि आपने ब्रेथ पे फोकस करना है डेप्थ पे नहीं करना तो वो ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल नोट्स और कमेंट्स आपने पढ़ते जाना उसके बाद आई कैप के एग्जाम्स करने आफ्टर डूइंग इलेवन टू फिफ्टीन स्टार्ट आई कैप एग्जाम्स इन दिस सीक्वेंस योर फर्स्ट पेपर शुड बी विंटर सेवनटीन देन विंटर नाइनटीन देन समर सेवनटीन अब ये पेपर इस तरह से क्यों अरेंज किए हुए इसकी रीजन ये है कि हर पेपर आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट का फ्लेवर दे रहा होगा रेपिटेटिव कॉन्सेप्ट कम से कम होंगे अदरवाइज अगर आप एक ही समर सेवन से ऑनवर्ड पेपर करते जाएंगे, या से करते जाएंगे तो मे बी देर आर समीटेटिव कॉन्सेप्ट एक आपको डाइवर्सिफाइड प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो आपने ये ऑर्डर फॉलो करने और आफ्टर डूइंग दीज पेपर उसके बाद रिमेनिंग पेपर आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं सिमिलरली फॉर ट रिपोर्टिंग आईसीआई डब्ल्यू इसका भी यह ऑर्डर फॉलो करनासीब्ल्यू के पेपर किए जरूर करना मस्ट डिफिकल्टी लेवल इज हायर ऐसे कॉन्सेप्ट है जो अभी तक आपके एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया जहां पर वो अपनी जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिक बात करें उसको आप इग्नोर करें जैसे लिस्टिंग के लिए थोड़ी सी जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिक वो बात करेंगे एथिक्स के लिए थोड़ी सी करेंगे बट 95 फाइव परसेंट एंड अबव सिमिलर चीजें अगर बहुत पुराने पेपर कर रहे हैं लाइक like सिक्सटीन या सेवनटीन से पहले वाले कर रहे हैं तो उसके लिए आपने आई एफ आर एस नाइन के लिए और IFRS 16 के लिए थोड़ा केयरफुल रहना है बल्कि आपने करने ही करंट अटेम्प्ट से या लास्ट कोई ट्वेंटी वन ट्वेंटी एटीन यहां तक चले जाए सेवनटीन तक कर ले मैंने भी देखे ना सेवनटीन से पहले का कोई पेपर नहीं लिखा हुआ अटेम्प्ट मॉक अगर मॉक एग्जाम लेवल है किसी भी इंस्टीट्यूशन का मिल जाए बट इट शुड बी योर एग्जाम लेवल मॉक मैंने कुछ मॉक्स देखे उनका पे, उसकी पेपर लेंथ हाफ पेज की होती है मार्क्स फिफ्टी होते हैं ठीक है समझ रहे हैं मेरी बात क्वेश्चन पेपर जो होता है वो हाफ पेज या वन पेज का होता है मैंने ऐसे भी मॉक देखे ऐसे पेपर नहीं करने जो आपके आई कैफ के पैटर्न पे पेपर ड्राफ्ट हुआ हुआ है एटीन पेजेस का वो पेपर करना है उसका बेनिफिट होगा अगर एक पेज का क्वेश्चन है और उस पर छोटी सी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दे के लिखा हुआ है कि जी डिस्कस

उस टेरेन को उस इन्वायरमेंट को अपने लिविंग रूम अपने जहां पे बैठ के आपने प्रैक्टिस करनी है वहां पे ले आए अब लैपटॉप पे लिखना है लैपटॉप पे बैठ के प्रैक्टिस करें टेस्टिंग वहां लैपटॉप पे होनी है लैपटॉप पे प्रैक्टिस करें आपके एग्जाम में आप बुक्स को रेफर कर रहे होते हैं रेफर बुक्स इन योर प्रैक्टिस स्टूडेंट्स क्या करते नहीं नहीं यहां बुक नहीं देखेंगे वहां जो है स्टैंडर्ड्स को देख रहे होते हैं और फिर कुछ समझ नहीं आती राइट right? क्या वहां पे आपके पास अनलिमिटेड टाइम है नो no. तो टाइम अपने आप को वही दें जो आपके पास अवेलेबल है एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना स्टॉप जहां तक टाइम खत्म रुक जाए एक ट्रू पिक्चर अपने आप को दिखाएं कि अगर आप एलोकेटेड टाइम में सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन वन तो आप सेवेंटी परसेंट पे रुक जाए ताकि आपका जो माइंड है आपका जो ब्रेन है वो इफेक्टिव कुछ स्ट्रेटजी पे वर्कआउट करे जब आप तीन चार दफा सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन करके अपने आप को रोक लेंगे तो आपका दिमाग ऑल्टरनेटिव पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन राइट अगर आप उसको नहीं लगाए रखेंगे तो वह फिर ऑल्टरनेटिव पे नहीं सोचेगा तो उसमें डेफिशियंज आइडेंटिफाई करें कि क्या हमारी टाइपिंग स्पीड का इशू है या कोई और इशू है जिसकी वजह से हम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थर्टी मिनट अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेके आने जो एक्स्ट्रा आपके पास अवेलेबल है आप रीडिंग टाइम फिफ्टीन मिनट्स राइटिंग टाइम थ्री आवर्स एंड थर्टी मिनट्स यूज करें सो टोटल थ्री आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट्स ये सीपी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के जो थर्टी मिनट्स हैं इनको सॉफ्टवेयर की इन के लिए रखें अगर इन नहीं होगी बड़ी अच्छी बात है आपको बेनिफिट हो जाएगा एग्जाम में लेकिन अगर वहां पे कोई नजर आती है तो इसको उसके लिए रखें। कंपेयर करना है क्या देखना है आपने एक्सटेंट देखनी है, cover, की, comments. Comments जो है वो सेवनटी एटी परसेंट स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं जो वहां पे लिखा आ रहा होता है और वहां पे एक रिकरिंग कॉन्सेप्ट कॉमेंट होगा कि आप एक्सप्लेन नहीं करते प्रॉपर कभी कभी एक्सप्लेन करते हुए मल्टीपल चीजों को एक ही जगह डिस्कस कर जाते हैं तो ये आपको एक रिकरिंग कमेंट जो है वो नजर आएगा एथिक्स में ये आप पढ़ेंगे बार बार कि एथिक्स का जो पार्ट है वो स्टूडेंट्स हाफ हार्टेडली करते हैं इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं वो सेवन एट मार्क्स हैं उसको कंप्लीट करें और अपने मार्क्स जो है उसमें इंश्योर करें अपने मार्क्स को सिक्योर करें

हो रहा है या हो सकता है चेंज इन ऑनरशिप एक्विजिशन एंड फॉरेन सब्सिड्रीज इसका जो और एडवांस लेवल है वो ये है कि वो चेंज इन ऑनरशिप को ऐसे कॉम्प्लेक्स करे कि कुछ कंडीशंस एसोसिएट की मीट हो रही हो कुछ कंडीशंस सब्सिड्री की मीट हो रही हो और वो आपसे डिस्कस करवाए ट से आपके पास बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन हो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग आपके पास फोर्टी परसेंट हो आपके पास फाइनल से हो किसी भी डिसीजन में स्पेशली इन ऑपरेशनल डिसीजन आप उस लाइन ऑफ बिजनेस से भी आपने एग्जिट ना किया हो जो जिस सब्सिडी में आपने अपनी शेयर होल्डिंग सिक्सटी टू फोर्टी लेके आए हैं अब वो आपसे डिसीजन करवाए कि बताएं जी ये फोर्टी परसेंट वाली को आप एसोसिएटेड कंपनी लेंगे या सब्सिड्री लेंगे इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है आंसर विद एक्सप्लेनेशन इंस्टेड ऑफ येस और नो सो अगर आपसे पूछा जाता है सब्सिड्री है इट सब्सिड्री बिकॉज फिफ्टी फाइव परसेंट शेयर होल्डिंग एक्सप्लेनेशन के साथ एसोसिएट है जी ये एसोसिएट है क्योंकि शेयर होल्डिंग फोर्टी परसेंट है नहीं रीजन कंक्लूजन देना है रीजन डिस्कशन करनी है और अगर कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि वो कंडीशन भी हैं वो भी हैं तो केविएट्स के साथ यू कैन गिव योर केविएट्स इंस्टेड ऑफ कंक्लूजन आप कह सकते हैं अच्छा अगर ये ट्रू है तो फिर सब्सिडी है अगर ये ट्रू नहीं है फर्दर इंफॉर्मेशन वुड बी रिक्वायर्ड एज वी वेदर वी रिमेन इन द बिजनेस नॉट तो फिर ये लड़से एसोसिएट है तो फर्दर इंफॉर्मेशन का वर्ड बहुत जगह आप यूज कर रहे होंगे आपके पास एमएसए के क्वेश्चन में बहुत जगह पे ये रूम अवेलेबल होता है रूम फॉर मोर डिस्कशन तो आप ये लिखते हैं कि फर्दर इन्फॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड जहां पर आपके पास वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये भी क्वेश्चन में आपको बहुत जगह पे नजर आता है मार्क्स आपके डिस्कशन के होंगे इंस्टेड ऑफ कंक्लूजन कंक्लूजन के होंगे अगर सेपरेटली रिक्वायर्ड है सो so ये आपकी ग्रुप अकाउंटिंग के डिस्कशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेवरेट एरिया इज क्लासिफिकेशन, ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो रही है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में राइट इंप्लॉयी बेनिफिट डिस्टिंक्शन आपसे करवा सकता है एंड बेनिफिट प्लान में आपसे वो कैलकुलेशन भी करवा सकता है चेंज इन प्लान की डिस्कशन आ सकती है इंपॉर्टेंट आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हेज अकाउंटिंग इस दवा के लिए मेरे ख्याल में तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टिंक्शन करवाएगा बिटवीन कैश फ्लो एंड फेयर वैल्यू हेज डॉक्यूमेंटेशन पूछ सकता है अगर आप रिव्यूअर है तो वट डॉक्यूमेंट्स यू आर लुकिंग फॉर इन ऑडिट फाइल ऑडिट प्रोसीजर्स पूछ सकता है रिलेटेड आपको टिप ये है कि कोई भी ऑडिट प्रोसीजर देख लें पास पेपर्स में उनको मेमोराइज कर लें 80 90 परसेंट वही प्रोसीजर्स आपके किसी भी सिनेरियो में फिटन हो जाएंगे फॉरेन लोन फॉरेन करेंसी लोन या सेल है फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है इसकी वो आपसे डिस्कशन करवा सकता है शेयर बेस्ड पेमेंट्स मॉडिफिकेशन पे ज्यादा फोकस रखना है आप लोगों ने और इसमें नॉर्मली वो कहते हैं जूनियर्स वर्क करें क्योंकि वो ऑलरेडी इस पर कोई काम कर चुका होगा जूनियर जो है तो शेयर बेस्ड पेमेंट को वो इस परस्पेक्टिव में भी टेस्ट कर सकता नेक्स्ट इज रेवेन्यू रेवेन्यू में रेकग्निशन पे फोकस है कब रेकग्नाइज होना चाहिए पॉइंट इन टाइम ओवर द टाइम इसकी डिस्कशन वो आपसे करवा सकता है नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है कॉन्ट्रैक्ट में इसकी डिस्कशन बंडलिंग एंड सेपरेशन ऑफ पीओ इसकी डिस्कशन करवा सकता है तो ये कोर एरियाज हैं जो आपने रिविजन करते हुए देखने लीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट सेल एंड लीज बैक ऑडिट अच्छा ये फ्यू एरियाज हैं ये हंड्रेड परसेंट ये एरियाज नहीं है कि इन्हीं में से टेस्टिंग होगी तो आपको ये मैं इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स में बता रहा हूं कि क्या टेस्ट हो रहा है या हो सकता है ऑडिट एंड एश्योरेंस जी रिस्क असेसमेंट अब रिस्क असेसमेंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स के साथ तो आप करते रहे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी आपके सीफेप लेवल पे बड़ी कम होती थी आपको याद होगा ऊपर सिर्फ दो तीन लाइनें लिखी होती हैं और नीचे पूरा फिर फाइनेंशियल टेबल होता है यहां पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए एक अपेंडिक्स भी हो सकता है कंपनी की पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में रिस्क हिडन होते हैं उसका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा होता है अगर उसने एक्विजिशन कर ली है किसी न्यू लाइन ऑफ बिजनेस में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हैं गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम आ रही है सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में लोन के लिए जा रही है और एक आप देखेंगे अक्सर क्वेश्चन में लिस्टिंग में जा रही है ये कंपनी द कंपनी इज प्लानिंग फॉर लिस्टिंग तो लिस्टिंग के लिए जब जा रहे हैं तो फिर और रिस्क राइज होते हैं ठीक है तो ये आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन तीनों को मिला के रिस्क आइडेंटिफाई करने कोई बात क्लियर ना हो रही हो तो पूछ सकते हैं आप साथ साथ स्पेशल फोकस ऑन अब ये मैंने काफी यहां पे चीजें बिल्ड की हुई हैं इनको वन बाय वन आप देखें जी सारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल आपको यह रिस्क बहुत नजर आएगा मैनेजमेंट ओवर ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट बायसनेस एस्टिमेट से रिलेटेड रिस्क रिलेटेड पार्टीज जैसे लास्ट टाइम पूछा भी उसने सिग्निफिकेंट अनयूजल ट्रांजेक्शन कोविनेंट्स कॉविनेंट्स देखे किसी ने क्वेश्चन में कॉविनेंट्स क्या होते हैं आपको लोन मिलता है अगेंस्ट सर्टन कंडीशन आई एम एफ यू कैन रिलेट और जब कॉविनेंट्स ब्रीच होते हैं जब हम पेट्रोल 150 पे फ्रीज कर देते हैं तो फिर क्या होता है कॉविनेंट ब्रीच हुआ उसके बाद क्या हुआ प्रोग्राम कैंसल हो गया तो कंपनीज के ऊपर कॉविनेंट क्या होते हैं कि दे हैव टू तो मेंटेन सर्टन रेश्योस। और जब वो ब्रीच होता है तो लोन भी रुक जाता है और प्रीवियस लोन इमीजिएटली रिपेबल हो जाता है अब यहां पे हमने क्या आइडेंटिफाई करना है हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर क्वेश्चन में कॉविनेंट है और आप रेशोस कैलकुलेट करते हैं उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज होंगे विदाउट कंसीडरिंग एडजस्टमेंट्स कॉविनेंट्स मीट कर रहे होंगे यानी अगर आप इसक डार साहब की कैलकुलेशन पे जाएंगे कॉविनेंट्स मीट कर रहे होंगे तो वहां पर सी होंगे और जब आप एडजस्टमेंट्स पास करेंगे तो कॉविनेंट्स ब्रीच हो रहे होंगे तो यहां पे रिस्क कौन सा निकलेगा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट इज डूइंग या परसीव टू बी डूइंग फ्रॉडल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक है तो कॉविनेंस अगर होंगे तो केयरफुल रहना है आपने ये सारी डिस्कशन आपने करनी है उसके बाद देखिए जी क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टीन्यूएंस भी आपसे वो दोबारा पूछ सकता है क्योंकि आई एम श्योर प्रीवियस क्वेश्चन में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा देन वी हैव जी प्रोसीजर्स और कोर्स ऑफ एक्शन इन केस ऑफ सब्सिड्री ज्वाइंट ऑपरेशन एसोसिएटेड कंपनी ये सेपरेटली वो आपसे पूछ सकता है डॉक्यूमेंटेशन क्या देखेंगे इफ यू आर रिव्यूअर फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हैजिंग रिलेटेड मैटर्स ये उसने पूछे भी हुए हैं दोबारा पूछ सकता है फेयर वैल्यूज़ पे क्या टेस्टिंग होनी चाहिए एक्विजिशन पे इंपेयरमेंट पे वेरिफिकेशन ऑफ फेयर वैल्यू मेथड्स आईएफआरएस 13 से रिलेटेड आप क्या मैटर्स देखेंगे तो ये टेस्टिंग भी हो सकती है ऑडिट में तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया जी नेचर ऑफ टेस्टिंग नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद दीज आर एक्सपर्ट स्ट्रेटजीज टू ए पेपर सॉल्विंग अब हम जा रहे हैं जी 3 आवर्स बल्कि फोर आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स में वी आर डाइविंग डीप इन टू दोन मिनट्स और नेक्स्ट फाइव आवर्स की जो डिस्कशन होगी हमने किन बातों का ख्याल रखना है क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री वॉट आर की टर्म्स अगर हमने कुछ ड्राफ्ट करना है तो उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए ये सारे डिस्कशन जो है ये हम करेंगे लास्ट वन पॉइंट फाइव आवर्स से थोड़ा कम ही होगा सवा घंटा होगा ठीक है जी एक या सवा एक घंटे में ये हमारी डिस्कशन हो जाएगी आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द क्वेश्चन जो हम बात कर रहे होंगे हम उसको लिंक करेंगे क्वेश्चन के साथ सो सी यू इन फिफ्टीन मिनट्स राइट ओके अब जल्दी करते हैं एक टारगेट के लिए बोल लेते हैं आप अपने

ये क्या होता है ये आईसी या आईसी या अल्के या ये वाला कांसेप्ट है वो उसी के पास में से लोग कह रहे हैं अगर कुछ समझ ना सो तो जब यहां पर से देखा रहा है एजेंसी की तरफ तो तो और भी सर तो तेकर 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 और वो सी टेलीफोन का और ना ओटी डेस्क से काई भी कर दी तो तेसले तेसले तेन 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 तो बेटर ये है अपना लेवल अपडेट करें इस कंट्री 75 200 में और ग्रोथ में मार्केट दिस लेट्स फंडस और एक चीज जो है गाड़ी तो नॉट अ लेट एज एंड रिस्पेयर करने के लिए आप बोलते हैं कि पे 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 तो टॉपिक एक ही है एक पावर का है और अभी एक और बात जो है 20% आप उम्मीद है कि एक लॉजिक में परफेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा

जॉब कर रहे हैं सब लोग ऑल आर्टिकल्स आउटसाइड प्रैक्टिस, चले जी लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट जी एक्सपर्ट स्ट्रेटजी टू एस पेपर सॉल्विंग फोकस कीजिएगा जी इस पर टाइम है आपके पास फोर आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स आपका क्वेश्चन नंबर वन इट शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन इन एग्जाम अगर अभी तक आपने सोचा हुआ है कि आपने क्वेश्चन थ्री से स्टार्ट करना है क्वेश्चन टू से स्टार्ट करना है या पेपर में जाके रीडिंग टाइम में ये डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है तो इस आइडिया को इधर ही रख लें एग्जाम में लेके जाने की जरूरत नहीं है यू विल स्टार्ट विद क्वेश्चन वन इसको आपने ड्राफ्ट करना है इट इज फिफ्टी परसेंट ऑफ योर एग्जाम अगर क्वेश्चन नंबर वन पास हो गया तो आपके पास होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं राइट सो यू विल स्टार्ट विद क्वेश्चन वन डोंट वेस्ट योर एनर्जीज ऑन क्वेश्चन टू और थ्री तो ये याद रखना है जी डू नॉट रीड इंटायर पेपर इन फर्स्ट 15 मिनट आपने रीडिंग टाइम में पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश नहीं करनी ना ही आप पढ़ सकते हैं फिफ्टीन मिनट्स में और फिफ्टीन मिनट्स में अगर आप सेवनटीन एटीन पेजेस रीड करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है वो न्यूज की तरह ही आप रीड करेंगे जैसे न्यूज कास्टर बैठे होते हैं उनको पता नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं नॉर्मली राइट right? तो फायदा नहीं है बेनिफिट नहीं है तो ये जो फिफ्टीन मिनट्स हैं इनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करें क्वेश्चन वन की जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें इसको इंक्लूड करें यू माइट बी रीडिंग हाफ ऑफ द क्वेश्चन इन फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स एंड डूइंग प्लानिंग ऑन द सेम टाइम लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू रीडिंग वन और टू क्वेश्चन इन दीज फिफ्टीन मिनट्स सो आपने सिर्फ क्वेश्चन वन पे फोकस करना है रीडिंग टाइम से ही और इस माइंडसेट के साथ रीड करना है कि आप इसको ड्राफ्ट करने जा रहे हैं सो ड्राफ्टिंग टाइम जो है अब रिवाइज पर मार्क आपके पास 2.4 पॉइंट फोर मिनट अवेलेबल है प्रीवियसली इट वॉज टू पॉइंट वन मिनट्स क्योंकि अब थर्टी मिनट एड हो गए तो यहां पर आपने थर्टी मिनट यूज करने यहां पर यह नहीं सोचना कि नहीं मैंने तो यूज नहीं करने मैंने तो बस थ्री आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट्स में पेपर करके बाहर भागना है ये नहीं करना यूज कंप्लीट टाइम मेरे पास बड़े फीडबैक्स फीडबैक आए थे कि जी चार घंटे में तो बस हो गई थी चार घंटे तो बैठा नहीं गया ये अभी मैं कुछ सीजन लवर्स होते हैं कुछ गेम लवर्स होते हैं मैं लगा के बिठा दूं तो सारा दिन बैठे रहते हैं मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने शायद कोई अच्छे सीजन जो है वो एक एक रात में देखे हुए और फिर फेसबुक पे स्टेटस भी दिया हुआ है राइट तो ये कर 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 सकते हैं आप फोर आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स को ज्यादा टाइम नहीं है अगर आप विद इंटरेस्ट ये पेपर करेंगे और इस आ, सोच के माइंडसेट के साथ करेंगे कि मैंने पूरे टाइम में आराम से इसको करना है तो हो जाएगा थकेंगे भी नहीं और एक और प्री रेकोजिट है कि अगर आपने प्रैक्टिस में पेपर किए हुए हैं तो फिर भी नहीं थकावट होगी फर्स्ट टाइम आईकेब में जाके बैठेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना सो टू पॉइंट फोर मिनट पर मार्क्स आर अवेलेबल पर मार्क अवेलेबल तो आपने टू आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट जो है वो क्वेश्चन वन को देने इसमें से जो ट्वेंटी परसेंट टाइम है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स इट शुड बी योर प्लानिंग टाइम लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सोच के जाए कि आधा घंटा मैंने लिखना ही नहीं है मैंने तो प्लानिंग करनी है हो सकता है कुछ प्लान ना हो रहा हो लेकिन आप बैठे हो कि मैं तो प्लान कर रहा हूं तो प्लानिंग कैसे करनी है उसको अभी से प्रैक्टिस करें आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सीक्वेंस क्या होनी चाहिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स को आप कंबाइन करेंगे कौन सी रिक्वायरमेंट्स को आप इंडिविजुअली आंसर कर रहे होंगे ये प्लानिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स को क्रैक कर लें पेपर पे लिख लें कि इनके इनके अंदर ये फाइव डिफरेंट एरियाज हैं जो मैं डिस्कशन करूंगा ऑडिटिंग मैटर्स को क्रैक कर लें डी कर लें ये प्लानिंग है प्लानिंग ये नहीं है कि पेपर को बार बार पढ़ें और सोचते रहेंगे बस मैं तो थर्टी थर्टी मिनट्स जो है मैंने प्लानिंग ही करी, राइट सो प्लानिंग में ये आपने सारी चीजें करनी है जी सो so, प्लानिंग में आपने पेपर को इस अपने माइंड में और कुछ क्वेश्चंस पेपर पे आपने उसके पॉइंट्स लिख लेने और सॉल्व कर लेना और प्लानिंग का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समरी ऑफ रिक्वायरमेंट्स वो भी हम अभी देखते हैं कैसे बनानी है वो भी बना लें साथ क्वेश्चन टू एंड थ्री उसके बाद करें सो क्वेश्चन वन कॉन्टीन्यूड क्वेश्चन वन में अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं जी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और इन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अनेक्जर आपका जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट से पहले कुछ चार पांच पैराग्राफ्स होते हैं वो पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें क्या इंफॉर्मेशन है जिसको आपने फोकस करना है अपने पास लिख लेना है या अपने माइंड में उसको सेव कर लेना है उस उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज टाइप ऑफ इंगेजमेंट नॉर्मली ऑडिट बट रिव्यू कैन बी टेस्टेड अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन वन में ऑडिट ही टेस्ट हुआ है लेकिन रिव्यू भी टेस्ट हो सकता है राइट योर रोल आपका रोल क्या है क्या आप ऑडिट सीनियर हैं, मैनेजर हैं पार्टनर हैं रिव्यूअर हैं न्यूली अपॉइंटेड इन एनी ऑफ रोल ऑफ ऑडिटर कोई भी रोल है आपका लेट सीनियर ऑडिटर और उसके साथ वो लिख देता है यू आर न्यूली अपॉइंटेड सीनियर ऑडिटर तो आपके माइंड में ये न्यूली अपॉइंटेड की जो टर्म है इसकी वजह से ये पॉइंट्स आ जाने चाहिए कि इफ आई एम न्यूली अपॉइंटेड आई हैव इश्यूज़, आई हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ द क्लाइंट, एंड सम वर्क माइट हैव बीन बाय प्रीवियस मैनेजर और ऑडिटर तो आपको उसका काम देखना पड़ सकता है रिक्वायरमेंट में लिखा होगा नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है जी वेदर इट इज अ ग्रुप ऑडिट आप कंपोनेंट ऑडिटर हैं या एक सिंपल सेपरेट कंपनी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं अगर आप ग्रुप ऑडिटर हैं बहुत सारी चीजें आपके माइंड में पॉपअप कर जानी चाहिए अच्छा अगर मैं ग्रुप ऑडिटर हूं तो कंपनीज कितनी है हाउ डू आई कोऑर्डिनेट विद कंपोनेंट ऑडिटर राइट ग्रुप के एथिकल एथिक्स के परस्पेक्टिव में ग्रुप की क्या कंसिडरेशन है अगर आप सब्सिडी ऑडिटर हैं कंपोनेंट ऑडिटर हैं तो फिर बहुत सारी कंसिडेशन आपके माइंड में आ जाएंगी अच्छा आप ग्रुप ऑडिटर मेरे साथ मिल रहा होगा कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहा होगा क्या ये इंस्ट्रक्शंस कौन सी मैंने फॉलो करनी है कौन सी मैंने नहीं करनी अगर मैं सब्सिडी का ऑडिटर हूं तो क्या मैं स्टेचुट्री ऑडिटर हूं या सिर्फ ग्रुप ऑडिट के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है ये सारी बातें आपके माइंड में आ जानी चाहिए आप विजुअलाइज कर रहे हो कि ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं होगी सो केयरफुल अबाउट चेंज इन नेचर अब ग्रुप ऑडिट ड्यूरिंग द एंगेजमेंट भी मान सकता है कंपनी ने अगर एक्विजिशन करनी है आपसे पूछ के तो नहीं करनी आपने सिंपल कंपनी का ऑडिट स्टार्ट किया उन्होंने टेक टेक ओवर ओवर कर ली राइट right? या ड्यूरिंग द ईयर अगर टेक हुई फर्स्ट टाइम ग्रुप अकाउंट्स बन रहे होंगे फर्स्ट टाइम एक्विजिशन एंड एंगेजमेंट कन्वर्टेड टू ग्रुप ऑडिट ये भी आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा नेचर ऑफ क्लाइंट क्या है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने देखना है क्या क्लाइंट आपका लिस्टेड है अनलिस्टेड है या ये लिस्टिंग की तरफ जा रहा है इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है अगर लिस्टेड है आपको पता है देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट विच नीड टू बी अप्लाइड लिस्टिंग की तरफ जा रहा है उसका रिस्क इंक्रीज हो रहा है और रिस्क नॉर्मली मैनेजमेंट ओवरहाइट ऑफ कंट्रोल होता है क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मीट करनी है फॉर लिस्टिंग हु इज कंपोनेंट ऑडिटर सब्सिडरी के ऑडिटर कौन है इफ योर ग्रुप ऑडिटर ये देखना है। अगर तो सेम ऑडिटर है सेम फर्म है रिस्क रिस्क कम है। है, ज्यादा है। डिफरेंट ज्यादा अब सेम में भी वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वो कहे अच्छा वो हमारी ही फर्म ने ये कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई किए उन्होंने ऑडिट किया है वी डोंट नीड टू री ऑडिट और वी डोंट नीड टू लुक एट दो ऐसा नहीं है यू आर ग्रुप ऑडिटर ग्रुप की ओपिनियन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाहे आपकी फर्म ने काम किया है सब्सिडी पे आपको कुछ सर्टन एक्टिविटीज करनी है कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं जो आपको आई एस ए सिक्स हंड्रेड बताता है अगेन वी आर इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने और क्या देखना है जी स्टेज ऑफ ऑडिट क्या है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दी ड्राफ्टिंग ऑफ आंसर फिर उसी टोन के साथ आप आंसर ड्राफ्ट करते हैं क्या आपके ऑडिट की स्टेज प्लानिंग है प्लानिंग फेज पे है परफॉर्मेंस फेज पे है आप प्रोसीजर्स बना रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं या उन प्रोसीजर्स का रिव्यू कर रहे हैं या फाइनलाइजेशन पे है ये बहुत जरूरी है स्टेज आइडेंटिफाई कर ले अगर स्टेज एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं है तो क्वेश्चन की टोन से अंदाजा लगा लें कि किस स्टेज पे हैं हम ईयर एंड और ईयर एंड में ग्रुप इंगेजमेंट में फॉरेन से कंपेयर कर लें कि सब्सिडियरी और पेरेंट का ईयर एंड ठीक है या नहीं सेम है या नहीं है पॉलिसीज सब्सिडियरी एंड पेरेंट की सेम है कोई ऐसी इंडिकेशन है कि इनकी पॉलिसीज डिफरेंट हो अपेंडिक्स देख लें कितने हैं और ये देख हर अपेंडिक्स के साथ उसका टाइटल होता है और उसकी डिस्कशन

क्या हमें असीमिलिएट करने की जरूरत पड़ेगी हर जगह असीमुलशन की जरूरत नहीं है हर जगह रेफरेंसिंग या लिंकेज की आपको जरूरत हो सकता ना हो लेकिन नीड फॉर असीमुलिएशन एंड लिंकेज यही डिटरमिन कर ले जब आप अपेंडिक्स को उनके टाइटल्स को पढ़ रहे हो टाइटल से भी बहुत आपको आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट देयर माइट बी हिडन थ्रेड्स

आए जी हिडन रिक्वायरमेंट देखें जी ये एक क्वेश्चन है जी अब इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन जो है जो अभी मैं आपको कह रहा था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे है वो मैंने ब्लू हाईलाइट की हुई है अर्थ स्टोर इज लिस्टेड कंपनी उसका बिजनेस क्या है यू आर न्यूली क्वालिफाइड सी एयर एंड इज थर्टी जून यू हैव रिप्लेस्ड ग्रेक ट्रॉय दी ऑडिट सीनियर इट मीन्स कुछ काम फिर उस सीनियर ने भी किया होगा हु हैज रिसेंटली बीन री रीअसाइन टू एन अदर क्लाइंट यू रिपोर्ट टू टॉम चैंग द ऑडिट मैनेजर अब टॉम चैंग चैंग आपको ब्रीफिंग दे रहा है ये देखेंगे अपेंडिक्स वन है अपेंडिक्स टू क्या है अपेंडिक्स थ्री क्या है ये सारी बातें इनकी लिखी हुई आई हैव प्रोवाइडेड यू विद ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन Greg reviewed the minutes of director meetings. और उसके बाद Greg has set out our store draft financial reporting treatment. अब ये जो दो appendix या exhibits हैं, इनको आपको assimilate करना पड़ेगा इस question में. अब आती है बात requirements की. अब ये देखें, ये requirements हैं. लेकिन ये highlighted requirements कहीं पे भी included नहीं है. One, two, three, four में. Read highlighted requirement. हाईलाइटेड पैराग्राफ ये रिक्वायरमेंट नहीं है ये हिडन रिक्वायरमेंट है इसको रीड करें सो प्लानिंग मटेरियलिटी इज टू पॉइंट फोर मिलियन विच रिप्रेजेंट फाइव परसेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स वी एग्रीड वी कॉन ऑडिटर्स वी एग्रीड विथ कमेटी दैट वी विल रिपोर्ट टू देम टमेंट अब वन ट्वेंटी थाउजेंड पाउंड आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग अवर ऑडिट तो जितने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज आप डिस्कस करेंगे उसमें जितनी एडजस्टमेंट होंगी जो एडजस्टमेंट वन ट्वेंटी थाउजेंड को रीच करेगी आप एक सेंटेंस लिखेंगे ऑल्सो कम्युनिकेट येयर दिस मिस्टेटमेंट ऑफ से पाउंड फाइव हंड्रेड थाउजेंड विद ऑडिट कमेटी इसके मार्क्स होंगे तो आपका एग्जामिनर इवॉल्व हो रहा है केयरफुल अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है क्वेश्चन में तो फिर आपने बड़ी सिंपल होगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट नहीं होगी बहुत सिंपल होगी तो आपने ये फिर लिखना होगा सो so ये दिस वॉज योर हिडन रिक्वायरमेंट इफ प्लानिंग मटीरियालिटी इज प्रोवाइडेड सी वट वेदर इट नीड्स टू बी कंपेयर विद एरर्स

राइट right? अगर ये टेन परसेंट है या ये वन परसेंट है तो इसको चैलेंज करें क्वेश्चन में इसको चैलेंज करें मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको फाइव सिक्स परसेंट पर नजर आएगी ठीक है ये पढ़ने नहीं लिखा हुआ ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं पार्टली क्वालिफाइड अकाउंटेंट ऑन क्लाइंट अगर लिखा हो कि क्लाइंट की जो अकाउंट्स या फाइनेंस की टीम है दे आर पार्टली क्वालिफाइड और uh, फाइनेंस डायरेक्टर या फाइनेंशियल कंट्रोलर पार्टली क्वालिफाइड है तो आपको पता है बात एरर्स की तरफ जा सकती है तो आपका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू प्रोफेशनल मैनेजमेंट जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ की टर्म्स एंड प्रिपरेशन ऑफ समरी अब हम मूव करके जी रिक्वायरमेंट्स पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने क्या इंपॉर्टेंट बातें देखनी है वो एंड हो गई वी आर मूविंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वेश्चन ये क्वेश्चन का नर्व सेंटर है अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को डी कर लिया क्रैक कर लिया आपने सिंगल रिक्वायरमेंट में जो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर ली आपके क्वेश्चंस की क्वेश्चन की कंप्लीटनेस इंक्रीज हो जाएगी इनहेंस हो जाएगी आपने इस बात पे नहीं जाना कि वन ए लिखा हुआ है बी लिखा हुआ सी लिखा हुआ थ्री रिक्वायरमेंट्स है नहीं ये थ्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है इन 99.9 नाइन पॉइंट नाइन परसेंट क्वेश्चन में तो आपने रिक्वायरमेंट्स को क्रैक करना है क्रैक करने के लिए सबसे पहले यू शुड बी अवेयर ऑफ की टर्म्स यूज इन रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड देयर आर मैनी की टर्म्स इनका आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या करना होता है हाउ एक्सप्लेन इज डिफरेंट एज कंपेयर टू इवेल्यूएट

मैंने इवेल्युएट करना है इवेल्युएशन में आई नीड टू मेंशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस प्रॉज एंड कॉन्स क्या मैंने इस लिस्ट करना है स्टेट करना है आउटलाइन मेंशन करना है वो सिर्फ सेंटेंस लिखना होता है लिस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स इन लिस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स स्टेट एक्शन ठीक है इन लिस्ट थ्रेट्स तो वहां पे आपने एक सिंगल सेंटेंस जो कि कंप्लीट सेंटेंस हो उसमें ये सारी बातें करनी होती है अब हमारे पास ये एक एग्जाम वो कैबलरी है मैं ये कंप्लीट कवर नहीं करवाऊंगा मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी ये दिखा दूंगा अच्छा उससे पहले इसका भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देख लें शायद मैंने हाईलाइट किया हो हाँ जी किया एक एक नजर जरा देख ले ये आई कैप का एक क्वेश्चन है और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखें हाईलाइटेड पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट फाइव परसेंट ऑफ कंप्लीट टेक्स्ट तो ये फाइव परसेंट जब आप इसको देखें ना एक, एक लेमैन देखे तो उसको ये पैराग्राफ्स नजर आए जब आप देखें तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स नजर आए राइट इतना ट्रेन करना है अपने आप को जरा रीड करें इसको ठीक है जी इसी तरह जो भी क्वेश्चन आप रीड करेंगे लुक फॉर सिमिलर इंफॉर्मेशन देर माइट बी सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमने हाईलाइट की है लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपने इसको देख लेना अच्छा इसके बाद मैं आपको दिखाना चाह रहा था वोकेबलरी ये अगेन आईसीएडब्ल्यू uh, की एग्जाम वोकेबलरी है जी ये सारी हमसे रेलिवेंट नहीं है जो रेलिवेंट है मैंने वो हाईलाइट की हुई है So word define उसका क्या मतलब है आइडेंटिफाई का क्या मतलब है लिस्ट का क्या मतलब है इसको रटा नहीं मारना याद नहीं करना एक दफा रीड कर लेना that's it. और अपनी प्रैक्टिस में इसको यूज करना है देखना है कि हमारा एग्जामिनर जब एक्सप्लेन कह रहा होता है तो एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या होती है हमारा एग्जामिनर जब इवेल्यूएशन कह रहा होता है तो उसका क्या मतलब होता है रिलेट करना है यही बातें होंगी अब देखिए आप आइडेंटिफाई की बात करें आइडेंटिफाई में आइडेंटिफाई रेकग्नाइज एस्टैब्लिश सिलेक्ट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन लिस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट आइटम्स फैक्टर्स आउटलाइन डिस्क्राइब ब्रीफली सो लिस्ट आउटलाइन एंड सेट आउट ये ऑलमोस्ट सिमिलर स्नेरियो में यूज होते हैं आई कैप में ठीक है इसमें आपने प्रोसीजर्स या एक्शन ही लिखने होते हैं और फोर्थ इनका जो कंपेनियन uh, uh, है वो स्टेट है सो लिस्ट स्टेट आउटलाइन सेट आउट इन लिस्ट इनका सिमिलर मीनिंग होता है उसके बाद डिस्क्राइब देखें जी डिस्क्राइब एक्सप्रेसफुली एंड क्लियरली द की डिटेल्स करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स डिस्कस एग्जामिन इन डिटेल की रीजन आर्ग्यूमेंट देखिए जब आपसे वो डिस्कस करवाता है तो देर इज ऑलरेडी सम आर्ग्यूमेंट इफ अगर मैं आपको कहूं डिस्कस करें नहीं कर सकते ना आई है आपको आर्ग्यूमेंट क्या देता हूं कि मेरे ख्याल में आपको नेक्स्ट एटीन डेज में एटी परसेंट टाइम प्रैक्टिस पे एलोकेट करना चाहिए ट्वेंटी परसेंट रिविजन uh, पे नाउ आई हैव गिवन यू एन अब अब मैं कहूंगा लेट्स डिस्कस आप अपना काउंटर देंगे विद ठीक है तो डिस्कशन उस मैटर की होती है जो ऑलरेडी वहां पे हो आपने उसकी डिटेल को एग्जामिन करना है विद रीजन एक्सप्लेन हमारे आईके एफ के एग्जामिनर का फेवरेट मेक एन आइडिया और सिचुएशन क्लियर बाय डिस्क्राइबिंग इट्स नेचर कॉज मीनिंग और पर्पस जो हाईलाइट की है मैं यही फाइल शेयर करूंगा सिर्फ इन्हीं को आपने रीड करना है कैलकुलेट का आपको पता है ये भी यूज होता है डिटर्मिन फाइंड द सोल्यूशन बाय आर्ग्यूमेंट और कैलकुलेशन प्रिपेयर प्रिपेयर रिवाइज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर रिवाइज एनालिसिस एडवाइज एडवाइज सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन एडवाइस क्या होती है रिकमेंडेशन आपने बताना है कि जी ये करें एडवाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट एडवाइज करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट तो फिर बताना है कि ये करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट है एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू एंड एडवाइज करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट आप इसको कनेक्ट करें एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट इट मीन्स देर इज ऑलरेडी समथिंग विच हैज बीन डिस्कस्ड नाउ यू नीड टू एक्सप्लेन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट सिर्फ ये ना करें नाउ एडवाइज और रिकमेंड अप्रोप्रिएट या करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट नेक्स्ट देखें जी इवेल्यूएट वेरी इंपॉर्टेंट ये भी एग्जामिनर यूज करता है हमारा एग्जामिनर इसको भी यूज करता है इवेल्युएशन में क्या होता है अप्रेज और असेस वैल्यू और मेरिट और डिसीजन सिचुएशन इवेंट इन प्रोसेस सो इवेल्युएशन में आप क्या करते हैं आप इसमें जो है एंड भी बताते हैं क्लोज हो गई किसी को लगता बहुत बुरी लग रही थी फाइल। आप श्यूजमी स्क्रीन डिसेबल हो सकती है थोड़ी देर के लिए। स्क्रीन डिसेबल हो सकती है अच्छा यहाँ से हो सकती है यहाँ से मैं पॉज कर सकता हूँ ऐसे पॉज होगी होगी ना आई टी वाले चले गए अच्छा सॉरी अच्छा वो फिर हमें स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी हाँ ये भी ठीक है फाइल पता नहीं क्यों वारी क्लोज हो गई ये प्लीज जरा फेसबुक से चेक कर लीजिएगा मैंने सही शेयर कर दिया चल रहा है किसी के पास नहीं ये मैंने शेयर ठीक कर दिया ठीक है एक दफा तो जरा अब चेक करवा लें आई टी सर वैसे ठीक है फेसबुक पे ठीक आ रहा है चले जी तो हम बात कर रहे थे डिस्क्राइब हो गया था कैलकुलेट डिटरमिन एडवाइस ये भी हो गया था रिकमेंड इवेल्युएट देन वी हैव जस्टिफाई ये भी आपको बताया फॉर्मिंग reasoned conclusion uh, uh, reasoned arguments recommend and advise almost same to ye almost complete ho gayi thi to ye main share kar dunga aap isko zara dekh लीजिएगा. next aaye ji summary summary banani hai ji requirements ki Multiple requirements जो है वो एक single requirements में include हो सकती हैं और ये आपको आपकी solution को कंप्लीट करने के लिए उसमें कंप्लीटनेस का एलिमेंट लाने के लिए बहुत जरूरी है राइट सो मल्टीपल जो है वो रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं है जी एक क्वेश्चन देखते हैं विंटर सेवेंटीन इसकी रिक्वायरमेंट्स को आप जरा देखें एक दफा और फिर देखें फिर मैं आपको कंपैरिजन देता हूं इसकी समरी का बहुत सिंपल इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्वेश्चन की आप देखें आपने एक तो की टर्म्स को देखना है अभी जो मैंने डिस्कस की है आपको हर रिक्वायरमेंट में वो की टर्म नजर आ रही होगी इट वुड बी इधर इवेल्यूएट लिस्ट राइट जी ए बी सी क्विकली रीड करें जी इसको क्विकली और जरा आपने माइंड में इसकी समरी बनाएं क्या की पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं एग्जाम में समरी जो है वो माइंड में ही बनानी है वहां ना बने तो फिर क्वेश्चन पेपर पे बना लीजिए चेक ठीक है सो लेट्स हाईलाइट की टर्म्स Explain, prepare, evaluate, explain, list, prepare. तो इंटेंशली नहीं कर रहा उसपी अभी डिस्कशन आएगी सो एक्सप्लेन राइट अब देखे जी इसकी समरी आपके माइंड में कुछ इस तरह की समरी बननी चाहिए रिक्वायरमेंट नंबर ए में देखें रोमन वन एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज प्रिपेयर कैलकुलेशन तो आपको पता होना चाहिए रोमन वन में दो काम करने हैं आपने रोमन टू अगेन टू टास्क

उटलाइन प्रोविजन ऑफ सीसीजी रिक्वायरमेंट नंबर वन इसमें एक सेकेंड रिक्वायरमेंट भी है ऑपरचुनिटी फॉर एडिशनल सर्विसमेंट में लिखा हुआ ब्रीफिंग नोट एक्सप्लेन प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज आपको पता है अभी तक हम सिर्फ एथिकल इशूज की बात करते हैं सीफेप वन में सो so, यहाँ पे प्रोफेशनल इशूज भी इंपॉर्टेंट है मेनली रिलेटेड टू फेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूज इन अपरमेंट अगर आप इसमें काउंट करें तो यह आपकी जो वहां पर रिक्वायरमेंट्स उनसे ऑलमोस्ट डबल बन जाती एक और क्वेश्चन देखें कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स ये आपने जरूर करना है जी ड्यूरिंग एग्जाम एंड ड्यूरिंग प्रैक्टिस अब ये रिक्वायरमेंट्स देखें ए वन टू एंड देन बी क्विकली स्किम करें इनको इन वन मिनट आगे गए थकना नहीं है बी रिक्वायरमेंट जब आप रीड करेंगे तो फर्स्ट टाइम रीड करते ही आप इसमें यू विल लॉस्ट आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या क्या रहा है मोस्टली यही होता है तो इसीलिए बार बार आके इसको री re रीड करना इसकी पहले समरी बना लें कि इसमें वो क्या क्या रहा है डन चले आए जी अब देखें इसकी समरी इसमें भी वही की पॉइंट होंगे ए देखें जी ए में वर्ड है ईमेल वन वन की टू सब रिक्वायरमेंट्स है सेट आउट एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकमेंड एडजस्टमेंट्स एंड कैलकुलेशंस टू सिंगल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ये बड़े इजी मार्क्स होते हैं क्यों होते हैं अभी पहले आपको बताया था कि ड्यूअल पेनलाइजेशन नहीं होती अगर आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट ठीक नहीं की वहां पे एरर है वो ही वैल्यूज अगर आप रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में प्लेस कर देते हैं और उसकी कैलकुलेशन ठीक कर लेते हैं तो आपको वो फोर फाइव जितने भी मार्क्स होते हैं वो कंप्लीट मिलते हैं बी वर्किंग पेपर बनाना है अब ये देखें ये वो बी था अब इसकी बड़ी सिंपल सी समरी क्या है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन अब ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज है इंपैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन किस पे ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट एंड हेड ऑफिस सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट क्या होते हैं जी आई एस एस एक्स हंड्रेड पेरेंट कंपनी ग्रुप और ग्रुप की जो सब्सिडीज होती है उसमें से कुछ सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट होते हैं कब बनते हैं बेस्ड ऑन फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं ठीक है तो सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेट पर क्या इंपैक्ट होगा और हेड ऑफिस पे क्या इंपैक्ट होगा मीन पेरेंट और दूसरी सब पॉइंट क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट इन मैटर्स का इन ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन क्योंकि सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट आपको आइडेंटिफाई करना होता है उस पे क्या इंपैक्ट होगा तो ये ब्रीफ है समरी है ऑफ रिक्वायरमेंट्स यहां तक कोई क्वेश्चन जी जी क्लियर आप क्या कह रहे हैं नीचे वाला विजिबल नहीं है अच्छा अच्छा अब उसको कैसे दिखाएं फिर जूम आउट नहीं हो सकता क्योंकि ये वो है अपना क्या कहते हैं पावर uh, पॉइंट है मैं रीड करके बता देता हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट इसके नीचे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेट नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिक्वायरमेंट्स केयरफुल विथ दीज पॉइंट यह भी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है फॉलो द रिक्वायर्ड फॉर्मेट इन वर्ड्स को इग्नोर नहीं करना ब्रीफिंग नोट ईमेल, वर्किंग पेपर मेमो, इनको आपने इग्नोर नहीं करना ईमेल, ईमेल फॉर्मेट में लिखे वर्किंग पेपर वर्किंग पेपर फॉर्मेट में लिखे प्रिपेयर्ड बाय रिव्यूड बाय डेट क्लाइंट नेम सब्जेक्ट या एरिया ठीक है मेमो है मेमो फॉर्मेट में लिखे ब्रीफिंग नोट है डिस्कशन आइटम्स बना के लिखे बहुत ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है बट स्टिल अगर वो आपसे बनवा रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ वेटेज जरूर होनी चाहिए केयरफुल अबाउट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज फॉर आंसर एक सिंगल रिक्वायरमेंट को आंसर करने के लिए क्या आपको मल्टीपल अपेंडिक्स से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है या सिंगल अपेंडिक्स से लेनी है ये भी में होता है अगर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर दे कि अपेंडिक्स नंबर से ये आंसर करें तो आप में चले जाएंगे रिकमेंड करें ऑडिट प्रोसीजर्स या अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अपेंडिक्स ना लिखा हो तो उस में क्या होता है आप सारे अपेंडिक्स को मिला के पढ़ते हैं तो ये याद रखना है रिक्वायरमेंट्स का आंसर करते हुए ये देखें कि वेदर देर इज एनी देर आर एनी स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर रिवाइज एफ एफ पी और एसओ सी आई फुल मार्क्स हंड्रेड परसेंट मार्क्स इसको नहीं छोड़ना इस पॉइंट को नहीं इग्नोर करना और ये आपको मैं ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं फाइव मार्क्स हो सिक्स हो फोर हो जितने भी हो हंड्रेड परसेंट ले सकते हैं आप सिर्फ फॉर्मेट बना के उसमें जो आपने कैलकुलेशन किया वो फिगर्स एड कर लेंगे इसमें आपको एक एरर एक दफा पीनालाइज हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज में दोबारा पीनालाइज नहीं करेगा लेंथ आपका क्वेश्चन आपका था ना लेंथ कंटेंट ऑफ आंसर इन केस ऑफ मल्टीपल सब रिक्वायरमेंट्स और मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज सोल्यूशन की लेंथ कितनी होनी चाहिए आप देखते हैं फोर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज होते हैं एक के टू मार्क्स होते, होते हैं मार्किंग स्कीम में जब जाके देखते हैं रिक्वायरमेंट में तो नहीं लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में तो लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूज कैरीज से फिफ्टीन मार्क्स अब उसमें फाइव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज होते हैं आप समझते हैं हर इशू के थ्री मार्क्स हैं नहीं किसी के फाइव होते हैं किसी के दो होते हैं रीजन वो रीजन क्या है वो देख लें। सबसे पहले फोकस करना है टेक्निकैलिटी ऑफ इशू पे यहां पे भी एक पॉइंट नीचे चला गया। टेक्निकलिटी ऑफ इशू कितना इशू कॉम्प्लेक्स है टेक्निकल है द मोर कॉम्प्लेक्स इशू इज द मोर इट कैरीज द मार्क्स ये याद रखना इजी जो इशू होगा उसके मार्क्स कम होंगे सेकंड फैक्टर इसमें है मैटर्स इंक्लूडेड उसमें रूम फॉर डिस्कशन कितना है हाउ मच यू कैन डिस्कस ब्रेथ कितनी कवर कर सकते हैं आप उसमें क्या उसमें ज्यादा रूम फॉर डिस्कशन नहीं है उसके मार्क्स डेफिनेटली कम होंगे रूम फॉर डिस्कशन ज्यादा है दो तीन मैटर्स इन्वॉल्व है उसके मार्क्स थोड़े ज्यादा होंगे आपने उसको कंप्लीट करना है आपने ये नहीं सोचना कि नहीं मैं इसमें चार पॉइंट्स हैं तो मैं तीन ही लिखूंगा क्योंकि मैंने बाकी मैटर्स भी लिखने नहीं और ही लिखे हैं और लास्ट पॉइंट जो आपको नजर नहीं आ रहा इट इज एक्सटेंट ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कितनी मैटर है आई एस नाइनटीन का मैटर है, है ज्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है राइट right? तो कैलकुलेशन की एक्सटेंट देखनी है उससे आपको अंदाजा होगा कि आपने लेंथ कितनी रखनी है आए मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल दिखाता हूं ये देखें जी मार्किंग प्लान है समर ट्वेंटी टू का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स देखें इसमें देयर आर फोर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स प्रेफरेंस शेयर थ्री मार्क्स स्प्लाई कॉन्ट्रैक्ट विद बी ए सेवन मार्क्स दो इसमें जो और पॉइंट्स हैं उनके इक्वल मार्क्स हैं सिमिलरली सी में सी में देखें जी आपके पास इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटायरम पीरियड एंडेड अगर आप इनको एड करें सबको वैल्युएशन ऑफ जर्मन प्रोडक्ट लाइन ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर रोटेशन इन मैटर्स को देखें सो so, किस मैटर के कितने मार्क्स हैं इट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मली थ्री फैक्टर्स देयर कुड भी अदर फैक्टर्स एज वेल बट नॉर्मली ये ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं टेक्निकलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इश्यू रूम फॉर डिस्कशन के कितने उसमें मैटर डिस्कस हुए और क्या उसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है इसको जरा देख इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ये देखें ये आपके पास है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स इसके टोटल मार्क्स करें आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के सो so ये है एट इन्वेस्टमेंट इन खान लिमिटेड फोर अब इसके बैक एंड पे जाके आप रूम फॉर डिस्कशन देखेंगे कम होगा वेबसाइट को देखें सिक्स वेबसाइट की डिस्कशन लीज की डिस्कशन को देखें सो यू हैव सेवन टेन टेन मार्क्स लीज ज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रूम फॉर डिस्कशन ज्यादा है ठीक है तो थोड़ा सा इन फैक्टर्स को सामने रख रखकर डिस्कशन करनी है क्योंकि आपके पास इंडिविजुअल मार्क्स अवेलेबल नहीं है अगेन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवेलेबल वर्सेस मैक्सिमम एलोकेटेड मार्क्स ये पॉइंट देखा है कभी कुछ ने, लोगों ने देखा होगा देखिए आपने यह देखना है कि रूम फॉर डिस्कशन एक कंप्लीट पार्ट में आपके पास एक पार्ट के मार्क्स होते हैं क्वेश्चन में से पार्ट ए है वो फिफ्टीन मार्क्स का है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज हो सकता है उसमें रूम फॉर डिस्कशन ट्वेंटी मार्क्स का हो इस बात का ख्याल रखना है कि आप ट्वेंटी मार्क्स का ना लिख के आए रूम फॉर डिस्कशन देखें ये देखें जी मैक्सिमम मार्क्स कितने ट्वेंटी फोर और ये पार्ट होगा आपका ए जरा इसके काउंट करें इसमें रूम फॉर डिस्कशन कितना है ये कितने हैं जी थ्री टू फाइव एट मार्क्स हम एट मार्क्स की डिस्कशन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्टमेंट इन खान में फोर मार्क्स वेबसाइट में सिक्स मार्क्स लीज में अगेन इसको जरा देख लें टेन ही है या नाइन है नाइन है ना नाइन मार्क्स अब इनको टोटल करें जी जरा एट ट्वेल्व एटीन और नाइन एटीन और नाइन ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी सेवन मार्क्स का रूम फॉर डिस्कशन है यहां पे मैक्सिमम मार्क्स कितने ट्वेंटी फोर थ्री एडिशनल मार्क्स है आपने ये टाइम वेस्ट नहीं करना इन पर राइट right? तो इसी तरह ये तो अभी थोड़ा कम डिफरेंस है इससे ज्यादा डिफरेंस भी हो सकता है क्योंकि को, को, कोई क्वेश्चन हो उसके फिफ्टीन मार्क्स हो बट लो रूम फॉर डिस्कशन ट्वेंटी मार्क्स का हो सो देर विल बी ऑलवेज या इन मोस्ट ऑफ केसेस देर विल बी हेड रूम अवेलेबल तो इसको थोड़ा केयरफुल रहना आपके पास जितनी जितने एलोकेटेड मार्क्स हैं अवेलेबल मार्क्स हैं उसके मुताबिक डिस्कशन करें डिफरेंट रिक्वायरमेंट शुड बी ड्राफ्टेड टूगेदर टू इंक्रीज एफिशिएंसी कैसे अभी मैं दिखाता हूं आपको अगर आपसे आपके पास फाइव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज हैं रिक्वायरमेंट नंबर ए में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा रिक्वायरमेंट नंबर बी में उनसे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स है तो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए कि आप पहले ए सॉल्व करें और फिर जाके बी करें और बी में दोबारा बैठ के देख रहे हो कि ए में जो पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू था लेट्स से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वो था क्या क्योंकि मैंने अब ऑडिट प्रोसीजर्स भी ड्राफ्ट करने हैं ये काम नहीं करना ए और बी को एक साथ ड्राफ्ट करें <coughs> जी ए और बी को साइमल्टेनियसली ड्राफ्ट करें टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी इसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं ऊंचा थोड़ा बोले ए और बी में वन टू हो नहीं आप फिर शफल करें ना सॉफ्टवेयर में आप बिल्कुल एक ही पेज पे नहीं कर सकते उसको जैसे आप आ, पेपर पे कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर में तो आपको डिफरेंट स्क्रीन में जाके करना पड़ेगा ना लेकिन एक साथ करें क्या आप सॉफ्टवेयर में बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं बस फिर वही करें उसी के लिए थर्टी मिनट्स हैं आपके पास ये भी कर सकते हैं अब देखिए ना मैं आपको इसका एक दिखा भी देता हूं मे बी मैंने उसको कॉपी किया होगा ये ये देखें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू है ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू है एक क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नंबर ए में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू है फिर उससे रिलेटेड ऑडिट इशू है फिर उससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स है तो आप क्या करें वट यू कैन डू टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स यू कैन सिंपली राइट रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट नंबर नेक्स्ट टू हेडिंग लेट से आप कहते हैं जी रेंटल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू से दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर ए वन तो आप ये लिखते हैं इसका ऑडिट इशू से दिस इज बी वन एंड इसका ऑडिट प्रोसीजर इट इज से बी टू पेपर में तो एक सीक्वेंस में आएंगे ना अगर ये रिटर्न पेपर होता लेकिन इसकी स्पेसिफिक इसकी स्पेसिफिक जो है वो डेजिग्नेटेड एरियाज हैं आपके पास सॉफ्टवेयर में तो वहां लिखे लेकिन ये आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा अदरवाइज आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स लिखने के बाद जब ऑडिट मैटर्स दोबारा डिस्कस करने जाएंगे आपको दोबारा से देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर में क्या क्या डिटेल्स थी ड्राफ्टिंग की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू ड्राफ्ट करते हुए यू शुड फॉलो दिस सीक्वेंस स्टेप वन आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन दिस दिसो इश्यू है क्या इशू ये है कि क्लाइंट रीक्लासिफाई करना चाह रहा है ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और उसके लिए क्लाइंट यह आर्गुमेंट दे रहा हैं इशू ये है कि क्लाइंट हैज रिड्यूस्ड इट्स शेयर होल्डिंग इन सब्सिडरी

लिंक करें विद रेलिवेंट स्टैंडर्ड एज पर आई एस फोर्टी ऑनर ऑकोपाइड प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इन टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंडीशन बट इन समरी डोंट ओपन आई एफ आर एस एंड कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट पैराग्राफ डोंट डू दैट टाइम भी बहुत लगेगा और फायदा भी कोई नहीं लिखें है समरी में लिखे क्या रिक्वायरमेंट्स है

कंप्लीट नेम याद नहीं आ रहा वैसे तो होगा आपको वो लिख दें लेकिन पैराग्राफ्स की सिग्निफिकेंस नहीं है यू डोंट हैव टू रेफर पैराग्राफ नंबर के पैरा फिफ्टीन में ये लिखा हुआ है पैरा थर्टी में ये लिखा हुआ है उसकी जरूरत नहीं है आई एफ आर एस का नेम जरूर लिखे नेम मीन्स नंबर एटलीस्ट लिखते हैं आई एस फोर्टी आई एस फोर्टी इन्वेस्टमेंट वैसे नेम तो भी बहुत बड़े नहीं है आई एफ आर एस ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा स्टैंडर्ड है जिसका बहुत बड़ा नेम है फेयर वैल्यू ट्वेंटी वन का है अच्छा उसको ना लिखिएगा ठीक है लेकिन ये बड़े सिंपल से आप ये ना लीज नहीं सर ने कहा था लीज नहीं लिखना आई एफ आर ठीक है आई एफ आर एस सिक्सटीन फिफ्टीन इतना तो लिख ही सकते साथ, लीज, या ना लिखे मैंने भी यही बताया या तो लिखते हैं आई एस फोर्टी या फिर आई एस फोर्टी देन नेम ये ना लिखे आई एस फोर्टी इन्वेस्टमेंट ठीक है ये ना लिखे चले जी स्टेप नंबर थ्री सजेस्ट करेक्ट रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ल्ड फाइनेंशियल नहीं आ रहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन अबाउट डिस्कशन लिंक करें आई एफ आर एस के साथ फिर कहें कि अब क्या हो सकता है क्या वाकई ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई हो सकती है ऑनर प्रॉपर्टी यस यस नो नो विद विद रीजन 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 यानी के कंक्लूजन uh, इसको लिंक करें राइट उसके बाद देखेंशन एन जर्नल आई एफ आर एस आई एस कंप्लीट नेम एंड रेफरेंस टू रेलिवेंट पैरास कंपल्सरी नहीं है रेलिवेंट पैरास uh, तो बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है नेम लिखना है तो फिर कंप्लीट लिखें ट द करेक्ट रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट अगर क्लाइंट ने देर आर सीरीज ऑफ इश्यूज और उसमें से लेट से एक बेनिफिट प्लान है एक ही इशू के अंदर और कॉन्ट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन्होंने ठीक की है तो उसको अप्रीशिएट करें अप्रीशिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आंसर में लिखे वाह वाह जबरदस्त छा गए मतलब उनको कहें के कि क्लाइंट हैज करेक्टली रिकॉर्डेड डिफाइन कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान या ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डिफाइन प्लान इसके इसके मार्क्स होते हैं, राइट? Right? अप्रिशिएट करने के पे होते हैं। और उसके बाद स्टेप्स बताए हैं उसमें कैसे कर रहे हैं देखिए ये हंड्रेड परसेंट एग्जामिनर आपको नहीं फॉलो करता हुआ नजर आएगा क्योंकि एग्जामिनर को मैंने नहीं बताया ना कैसे उसने ड्राफ्टिंग करनी है सोल्यूशन बनाना है तो इट कुड बी वन ऑफ दी प्रैक्टिस दैट यू अडॉप्ट बेस्ट सीक्वेंस हो सकती है जो मैंने आपको बताई है लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई इससे बेहतर सीक्वेंस मिलती है आप वो कर लें इसको क्विकली रीड करें आपको इसमें वही तीन चीजें नजर आएंगी पहले करंट इशू देन आई एस के साथ लिंकेज देन उसकी सजेस्टेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जल्दी से ऐसे देख लें हमारे पास सिर्फ टेन मिनट्स हैं जी इंशाल्लाह हो जाएगा टेन मिनट्स देखिए वो कह रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज है कंसीडरेशन ऑफ वेदर रेंटल ऑफ टू फ्लोर्स of BFC office building means that these two floors should be accounted for as an investment property rather than within property plan and equipment. An investment property is one. Abdeke, yahan se onwards IS 40. An investment property is one that is held to earn rentals or for capital appreciation or both. The com complication here is that BFC is only renting out two floors for an owner-occupied property. IS 40 says that if the portion could be sold or leased out separately. अब उसने एग्जैक्ट स्टैंडर्ड की वर्डिंग कॉपी नहीं की समरी में बता दिया सिंस द टू फ्लोर्स शुड बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली द पोर्शन रिलेटेड टू टू फ्लोर शुड बी रिमूव फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सजेस्टेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन लास्ट पैराग्राफ तो ये सीक्वेंस है आप ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं जी ऑडिट प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग में ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसीजर्स में आपने कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है ये तीन पॉइंट एक सिंगल ऑडिट प्रोसीजर्स में होने चाहिए एक क्या वेरीफाई क्या कर रहे विच डॉक्यूमेंट विच एसेट और प्रोसेस इज बींग वेरीफाइड और ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्ट टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स

जो कि रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स हो इन द गिवन स्नेरियो उसके लिए आप नॉलेज कहां से लाएंगे कहां से ऑडिट प्रोसीजर्स आप ड्राफ्ट कर रहे होंगे कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है आपके पास स्नेरियो अकॉर्डिंग टू स्नेरियो जो है वो ऑडिट प्रोसीजर्स ड्राफ्ट करें और देखें अगर वर्ड एडिशनल है तो ऑन टॉप ऑफ वट ऑलरेडी हैव बीन अप्लाइड वो ड्राफ्ट करें उसके बाद देखिए अकाउंटिंग डेफिनेशन रेकग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया से रिलेटेड आप ऑडिट प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकते हैं जैसे हैजिंग से रिलेटेड जो कंडीशन है आपने कैसे वेरीफाई की आपने इंटेंजिबल एसेट के जो क्या इंटेंजिबल एसेट की मार्केट है क्या इंटेंशन है एबिलिटी है इसको कैसे वेरीफाई किया ये यहां से आप ऑडिट प्रोसीजर्स बना सकते हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आपको पता है स्टैंडर्ड में अवेलेबल हैं है, 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 है आपको जो है वो फाइव फिफ्टी गाइड करता है तो ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो सकते हैं और सिमिलर प्रोसीजर्स आप प्रीवियस या पास्ट पेपर से भी यूज कर सकते हैं जो रिकरिंग या फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडेजिबल है गुडविल है गुडविल जो आपकी एक्शन में राइज होती है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कोड ऑफ एथिक्स एथिकल एंड प्रोफेशनल इशूज इशूज थ्रेड्स मे बी प्रोवाइडेड इन एन एक्जर और स्प्रेड इन इंटायर क्वेश्चन दोनों हो सकते हैं आईसीएडब्ल्यू की प्रेफर्ड प्रैक्टिस ये तो दैट मेक क्वेश्चन मोर कॉम्प्लिकेटेड

तो तो ये थोड़ी सी डिस्कशन यहां पर रिक्वायर्ड है सिर्फ ये ना कहिएगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट वुड अराइज क्यों? थोड़ा सा स्पोर्टिंग फैक्टर्स भी बताने केयरफुल अबाउट द एथिकल कंसर्न ऑफ टीम मेंबर्स एंड फर्म ये भी याद रखिएगा कि एथिक्स किसके परस्पेक्टिव में आइडेंटिफाई करने विद रिस्पेक्ट टू टीम मेंबर और विद रिस्पेक्ट टू फर्म फर्क है डिफरेंस होता है थोड़ा सा एक्शन किसके हवाले से आपने ड्राफ्ट करने हैं टीम मेंबर के हवाले से या फर्म के परस्पेक्टिव से फर्म क्या एक्शन लेगी टीम मेंबर को क्या एक्शन लेना चाहिए जॉब ऑफर हुई ड्यूरिंग ऑडिट आपको आप सेल्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट्रेटराइज हो गया ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है वट एक्शन यू विल टेक वट एक्शन फॉर्म शुड टेक दोनों में डिफरेंस है कि नहीं आपका एक्शन है इनफॉर्म करें फॉर्म को रिटर्न रिफ्यूजल दें मैंने जॉब नहीं करनी लेटर दे के बाद में उनको कह भी दें बस लेटर रख लें पढ़िएगा ना ठीक है दो महीने बाद मिलते हैं तो रिटर्न रिफ्यूजल दें और फॉर्म क्या करेगी फर्म देखेगी पॉलिसीज के साथ कंप्लाई हुआ है क्या हमारे पास ये पॉलिसी है कि इस तरह के इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना है जॉब ऑफर हो जाए तो डिस्क्लोज करना है नहीं है तो फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट ड्राफ्ट एंड करेगी अगर डिस्कलोजर नहीं आया इंडिविजुअल की तरफ से तो फर्म की ट्रेनिंग में इश्यूज है फर्म फिर ट्रेनिंग करवाएगी लोगों को बताएगी कि जॉब ऑफर होती है आपने डिनाई करनी है और डिस्क्लोज करनी है क्वेश्चन नंबर टू मेनली सारी गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताई हैं वो एज इट इज एप्लीकेबल है एज फॉर एज रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न एज फॉर एज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स आर एज एज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज आर कंसर्न सारी वही बातें हैं थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा आपका रोल चेंज हो जाएगा नाउ यू आर नो मोर एन ऑडिटर यू आर एन अकाउंटेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर फाइनेंस डायरेक्टर सी एफ ओ न्यूली अपॉइंटेड होंगे इंफॉर्मेशन का इश्यू आ जाएगा ईयर एंड आप इसमें देख लेंगे क्योंकि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करनी होगी अपेंडिक्स को देख लेंगे सेम है एथिक्स के हवाले से थोड़ा आपने केयरफुल रहना है जो आपको यहां नजर नहीं आ रहा मैंने ज्यादा नीचे डिस्कशन ले गया हूं तो एथिक्स में पार्ट टू अप्लाई होगा क्वेश्चन नंबर टू में तो सी फैप वन लेवल की डिस्कशन यहां हो सकती है आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाई जा सकती है आई एस नाइनटीन आई एफ आर एस टू की डिस्कशन कैलकुलेशन करवाई जा सकती है क्वेश्चन नंबर थ्री रोल चेंज हो गया कंप्लेक्स ऑडिट मैटर्स आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट स्लाइड है रोल ऑडिट मैनेजर मोर कॉम्प्लेक्स ऑडिट मैटर्स होंगे जी यहां पे। फोकस इस क्वेश्चन में प्लानिंग रिस्क असेसमेंट

तो बाकी सिमिलर गाइडलाइंस है एज फॉर एज ड्राफ्टिंग इज कंसर्न एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आई होप के आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी इन बातों को जरा माइंड में रखिएगा और अगेन आप जितने लोग यहां बैठे हैं मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप सब लोग लास्ट स्टेज ऑफ सी में बैठे हुए हैं यू हैव ऑल दी रिक्वायर्ड स्किल्स कैपेबिलिटीज टू पास दिस एग्जाम और एटीन डेज बहुत है इसके लिए अगर आप अभी भी एक ऑनेस्ट एफर्ट इसमें पुट करते हैं तो इन शाह पास हो जाएंगे ठीक है जी आई विश यू ऑल देश और ये ऑनलाइन के लिए भी है वो ना समझे कि हमें तो नहीं कह कह रहे तो ऑनलाइन एंड एवरी वन जो भी इस सेकेंड लास्ट स्टेज में बैठा हुआ है सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और दुआ है आप लोग पास हो जाए मेहनत करें Thank you so much for joining. Take care and Merit Allah office. Dear students, today we have completed exam focus session of MSA1, Financial Reporting and Assurance, Professional Competence. There is no doubt Sir has delivered the course at most level. He has not only revised the labours, but also made it simple to understand. It is evident that Sir has given his best in such short period of time. Please give him big round of applause. In the end, Sir, we have certificate and shield as token of appreciation for you. Please, Sir. Gada <laughs> मैं तो यहीं पे हूँ, अपना लोग जाते हैं। अब इसमें बात क्या है? बात क्या है?